भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरी जरूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे संचालन का कार्यक्रम सौंपा है, तो मैं अपना कार्य करूंगा। बाकी ये सारा जो कार्यक्रम है, ये श्री प्रधान जी जो आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली है उसके प्रधान और आचार्य हैं आप आदरणीय आचार्य धर्मपाल जी, उनको आप सभी ने मिलकर के आज की सभा का अध्यक्ष चुन लिया है। अब मैं ये सारा कार्यक्रम आदरणीय आचार्य आज के सभापति महोदय आदरणीय धर्मपाल जी को सभापति जी को सौंप रहा हूँ। आगे का कार्यक्रम वो चलाएंगे। मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। सभा में उपस्थित मौलाना अब्दुल्ला तारिक जनाब साहब और पंडित महेंद्र पाल आर्य जी, ये दोनों हमारे वक्ता हैं। 15-15 मिनट का समय दोनों के लिए है। मेरे सहयोगी के रूप में घड़ी जब 14 मिनट हो जाएंगे तो थोड़ा सा हल्का सा इशारा करने के लिए एक बार ऐसा करके इशारा करें। अगर कभी एक मिनट कम हो गया तो अगर आप ये समझते हैं कि वो विषय समाप्त होगा, आप भली भांति ध्यान रखेंगे। कोई भी व्यक्ति उत्साह में हाँ चिट लिख करके आप संबंधित विद्वान को दे सकते हैं। अगर आपको ये समझते हैं कि उनको कुछ बात ध्यान दिलानी है तो आप चिट लिख करके संबंधित विद्वान को दे सकते, लेकिन बीच में बोलेंगे नहीं, उससे उनका ध्यान बटता है। किसी का भी हो ध्यान बटेगा अच्छा नहीं। आदरणीय तारिक साहब से कि वो इस कार्रवाई को प्रारंभ करें। आज का हमारा गोष्ठी का विषय रहेगा, क्या इस्लाम शांति ही सिखाता है या चाहता है? हाँ जी, सिखाता है ठीक। क्या इस्लाम शांति ही सिखाता है? ये शब्द सभा के अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वानगण और प्रिय बंधु, मुझे इस विषय पे आपसे कुछ कहना है कि क्या इस्लाम शांति ही सिखाता है। और शांति ही सिखाता, यही शब्द भी मैंने सुना और मैंने किसी जगह कोई सुझाव नहीं दिया, बल्कि मैं उसे पसंद कर रहा हूँ और उसे मैंने स्वीकार किया। यही शब्द आया साथ में, तो इसे मैंने इसका अर्थ ये समझा कि शांति ही सिखाता है और अशांति नहीं सिखाता। लेकिन सिखाता है तो और भी बहुत सी चीज़ें, लेकिन अशांति नहीं सिखाता, शांति ही सिखाता है। इस्लाम शब्द का अर्थ है, शब्द दो अर्थ हैं शब्दकोश में, डिक्शनरी में, अरबी भाषा में। एक अर्थ है शांति और इसका दूसरा अर्थ है संपूर्ण आत्मसमर्पण। ईश्वर की, जिसने हमें यहाँ पैदा किया, हम अपनी इच्छा से यहाँ नहीं हैं, जिसने हमें यहाँ मौजूद कर दिया, उसकी इच्छा के प्रति अब संपूर्ण आत्मसमर्पण। तो ये गुणात्मक शब्द है। समझा ये जाता है किसी धर्म विशेष का नाम हुआ, नाम तो है लेकिन नाम ये एडजेक्टिव है, ये गुणात्मक शब्द है। और जिस किसी ने भी अपनी इच्छाओं को, ईश्वर की इच्छा को जानकर, जानने में मतभेद हो सकता है, ईश्वर की इच्छा को जानकर उसके प्रति पूर्णतया अपने आप को समर्पित किया, इस्लाम की परिभाषा में वो मुस्लिम है, चाहे जहां जन्मा हो और चाहे किसी मुसलमान के घर जन्म लिया हो जो यहां कहलाते हैं मुसलमान, और उसने अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित नहीं किया तो वो सरकारी रिकॉर्ड में तो मुसलमान कहलाते हैं लेकिन ईश्वर की सूची में वो मुस्लिम नहीं होंगे। मुस्लिम के घर मुस्लिम जन्म नहीं लेता,
अगर सोच समझ कर, सोच विचार के साथ में, अपने विवेक के साथ में उसने आत्मसमर्पण किया है तो मुस्लिम है। इस्लाम का ये दावा है कि 1400 साल पहले अब से, या 1429 वर्ष पूर्व, मोहम्मद साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर शांति हो, उन्होंने ये कोई नया धर्म, इसकी संस्थापना नहीं की, वो इसके स्थापक नहीं थे, संस्थापक भी नहीं थे। अगर 1400 साल पहले वो मुक्ति का कोई नया मार्ग बताए जाएंगे तो उससे पहले के लोगों की मुक्ति कैसे होगी? अगर 2000 साल पहले यीशु ईसा मसीह मुक्ति का कोई नया मार्ग बताए जाएंगे तो उससे पहले के लोगों की मुक्ति नहीं होगी। दुनिया में जब से मानव है, संसार में धर्म तो वहां से चला आ रहा है, उसे हम अरबी में इस्लाम कहते हैं, किसी और भाषा में कुछ और कह सकते हैं। उसका एक गुणात्मक नाम जो है वो इस्लाम है, अरबी भाषा में। दुनिया में जब से मानवता है, इस्लाम ने हमें ये बताया, पर इस्लाम के जो अंतिम ग्रंथ है कुरान, उसने हमें ये बताया, और कुरान इस्लाम धर्म का अंतिम ग्रंथ है, उसका एकमात्र ग्रंथ नहीं है, ये बताया कि कुरान शरीफ की आयत है कि वली कुल्ली उम्मतिन रसूल, ईश्वर ने अपने दूत हर कौम में, हर जाति में और हर देश में भेजे। एक सिद्धांत, और उससे हमें एक बात मालूम हुई कि हम भारतवर्ष में भी भेजे, चाहे हमें उनके नाम मालूम हो कि लोगों को, चाहे ना मालूम। एक दूसरा सिद्धांत दिया कुरान शरीफ ने, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, जहां भी हमने अपने दूत भेजे वो वहीं की भाषा में, जिस कौम में भेजे, जिस जाति में भेजे, जिस क्षेत्र में भेजे, वहीं के लोगों की भाषा में वो संदेश लेकर गए, ताकि लोगों की लिवैयन अलहुम, ताकि लोगों की समझ में भी आए। अगर फ्रांस में ईश्वर के कोई दूत इटली की भाषा बोलते हुए चले जाए तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो मूल मान्यताएं हैं वो कभी नहीं बदली, इसलिए कि जो बहुत सी परिभाषाएं हैं धर्म की, उसका सार और खुलासा ये है कि जिसने हमें यहां मौजूद कर दिया, हम अपनी इच्छा से नहीं है, उसने हमसे क्या चाहा उसे धारण करने को धर्म कहते हैं। मैंने सार रखा है, ये कोई एक परिभाषा नहीं, उसकी इच्छा। ऐसा नहीं हो सकता कि समय समय पर अलग अलग हो, अलग अलग समुदायों के लिए और अलग अलग देशों के लिए, अलग अलग युगों में वो एक है तो उसकी इच्छा एक ही होगी। इसलिए धर्म पहले इंसान से दुनिया के इस पृथ्वी पर आया, जिसे हम अरबी में इस्लाम कह रहे हैं, और समय समय पर जब जब लोग उसे भूले तो पृथ्वी के किसी और क्षेत्र में उसका प्रसार, प्रचार प्रसार करने के लिए, उसको बताने के लिए, उस बात को बताने के लिए जो लोग भूल गए थे, किसी और क्षेत्र में वहां की भाषा में संदेश आया, और ये क्रम चलता रहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और उन्होंने इसी बात, वही धर्म और वही मूल मान्यताएं जो आदिकाल से चली आ रही थी दुनिया के पहले इंसान से और शुरू के इंसानों से, उन्हीं को दोबारा कोई इंसानों को, उन मूल मान्यताओं को वापस दिया। कुरान शरीफ से हमें, अभी मैं जो कुछ कह रहा हूं ये विशेष है, मैं ये श्रोतागण को और बता दूं, जो कि मुझसे कहा गया है, ये मुझसे ये बताया गया कि शुरू में मैं परिचय कर रहा हूं कि इस्लाम क्या है, तो इसलिए उसके बारे में शब्द सुनने से लोगों के मन के अंदर और कुछ गलतफहमियां हो सकती है, ताकि पहले मैं इसे स्पष्ट कर दूं। तो इसमें ज्यादा हिस्सा, अभी जो पहली बार मैं कह रहा हूं उसमें ज्यादा भाग इसका है कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि इस्लाम है क्या। कुरान शरीफ ने हमें ये संकेत दिए, ये इशारा दिया कि यहां जो ईश्वर की तरफ से समय समय पर ईश्वर के दूत आए और हमारे भारतवर्ष में भी आए, तो सबसे पहले दूत जो आए वो यहां भारतवर्ष में आए,
कुरान शरीफ ने हमें ये इशारा दिया, ये भी हमें कुरान शरीफ से इशारे संकेत मिले कि जो मानवता को उन दूतों के माध्यम से आदि ग्रंथ मिले वो है जिन्हें आप वेद कहते हैं और यहाँ पर वेद के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमारी वेदों में आस्था है उसके आदि ग्रंथों के रूप में, इस हैसियत से यहाँ कुरान शरीफ में हमारी आस्था है अंतिम ग्रंथ के रूप में और वेद में हमारी आस्था है ईश्वर के आदि ग्रंथ के रूप में। और हम ऐसा मानते हैं कि उनका संदेश, मूल संदेश, शैली बदली, भाषा बदली, कहीं कहीं उसके ऊपर उस जो मूल सिद्धांत हैं उनको कहीं कहीं कार्यान्वित करने के कुछ विधियां में थोड़ा थोड़ा सा मामूली परिवर्तन हुआ, लेकिन मूल संदेश कभी बदला नहीं वेद से लेकर कुरान तक। इस्लाम के विषय में एक गलतफहमियां, ये गलतफहमी बहुत ज्यादा है और आज हमारा यही मूल विषय, उसी की वजह से यह विषय रखा गया है कि इस्लाम में मारकाट की तालीम है, मारकाट की शिक्षा है। इस्लाम के मानने वाले आतंकवादी होते हैं। हमसे ये भी जगह जगह कहा गया, ये बात बीच में बहुत चली कि ये तो ठीक है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही होता है। हमने उत्तर दिया, हम क्योंकि हमारे नजर में तो वेद से कुरान तक धर्म एक रहा है। हमने हमेशा ये कैसे लोगों के जिसे ब्रेन वॉशिंग कहते हैं वो हो गई है कि जगह जगह धमाके रोज हो रहे हैं। नक्सलियों को आतंकवादी लोग नहीं कह रहे, उन्हें नक्सलवादी कह रहे हैं। वो तो हिंदू हैं, जो हिंदू कोई धर्म का नाम नहीं है, लेकिन जो कुछ कहलाते हैं मुसलमान नहीं है वो। अगर श्रीलंका के अंदर तमिल टाइगर्स आतंकवाद की बात कर रहे हैं तो वो तो मुसलमान नहीं है, वो दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादियों में से हैं, वो तो हिंदू धर्म वाले हैं, हमारे तमिल हैं। उल्फा के आतंकवादी आसाम में वो ईसाई धर्म को मानने का दावा करते हैं। पंजाब के अंदर और अभी जो एक धमाका हुआ बाबा के यहाँ, वही पंजाब के उसके अंदर वहां उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद सिख आतंकवादी थे। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, सिख आतंकवाद लोग भूल जाते हैं, उसे आतंकवाद नहीं समझते। हाँ, मुसलमान और इस्लाम के नाम पे भी जगह जगह लोग आतंकवाद फैलाते हैं। बात सच्ची ये है कि आतंकवादी ना मुसलमान होता है, ना हिंदू होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, ये तो सिर्फ आतंकवादी होते हैं, इस्लाम का उससे कोई संबंध नहीं। अफसोस का विषय ये है, और आगे जब अगले उसके अंदर मुझे जब समय मिलेगा तो मैं उसमें ये बताने की कोशिश करूंगा, ये प्रयास करूंगा कि अफसोस का विषय जो है वो ये है कि लोगों ने ये तो समझा कि इस्लाम के को जिन्होंने गलत समझा और गलत समझने की वजह से मुसलमानों के बुरे कर्मों की वजह से बहुत से लोग उसकी दुश्मनी तक पहुंच गए अपनी गलत फहमियों में, भ्रांतियों में। उन लोगों ने उनको जो कुछ कुरान में से बीच बीच में से काट कर गलत अंदाज में और गलत प्रसंग में जो कुछ बताया गया उसे सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि हाँ, इस्लाम के नहीं मानने वालों को मारने की और जान से मारने की शिक्षा देता है। जो इस्लाम के वो कहते हैं दुश्मन नहीं है, गलत फहमियां हैं, लेकिन जो दुश्मन कहलाते हैं, अफसोस की बात यह कि वो भी वही कहते हैं और वो जो मुसलमान अपने आप को आतंकवादी कहते हैं वो भी वही कहते हैं। उन्होंने भी कुरान से उनको भी ऐसे ही ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको निकाल कर सिखाने वाले प्रसंग से काट कर चीजें बताते हैं और कहते हैं तुम्हारा इस्लाम और तुम्हारा कुरान जिसे तुम मानते हो ये कहता है और वो आतंकवादी बन जाते हैं। तो आवश्यकता तो इस बात की थी कि सारे लोग इस गलतफहमी को दूर करते और बजाय इसके कि ये कहते कि कुरान पर पाबंदी लगाई जाए और उन आयतों को कुरान में से निकाला जाए, उन आयतों को प्रसंग में देखते और समझते, और यहाँ इस विषय पे हम कुछ चर्चा आगे करेंगे, उन्हें देखते और समझते, और अगर समझ में आता, झूठ नहीं, और अगर समझ में आता तो उन लोगों वो मिलकर, हिंदू मुसलमान ही नहीं और बाकी लोग भी मिलकर उनसे ये कहते और उनको डांटते, मिलकर उनसे आतंकवादियों से ये कहते कि इस्लाम इसकी शिक्षा नहीं देता, और सब मिलकर उनके खिलाफ आपस में लड़ते। अब ये बड़ी अजीब बात है कि जो इस्लाम के दुश्मन कहलाते हैं वो भी इसे आतंकवाद का धर्म कह रहे हैं, और जो आतंकवादी इसमें से कुछ बन रहे हैं वो भी इसकी गलत व्याख्या करने के बाद वो जानते नहीं इसके विषय में, और उनको बीच बीच में चीजें दिखाकर उनकी भावनाओं को उत्तेजित कर दिया जाता है, और उसके साथ में जो और चीजें हैं जिस प्रसंग में उसे काट दिया जाता है। तो ये इसकी और तफसील जो है वो थोड़े जो अगला बाद में मुझे समय मिलेगा मैं उसे बताने का प्रयास करूंगा, इसलिए कुछ समय मेरा इसके अंदर निकला कि यहाँ
ये जितना यहाँ पर धर्म है, जो धर्म चला रहा है वो एक धर्म शुरू से चला रहा है, हमारे आदि ग्रंथ से लेके अंतिम ग्रंथ तक। और उसके अंदर जब शांति जिसे हम कहते हैं, शांति तो उसे कहते हैं कि इंसान अपने आप के अपने साथ भी शांत हो, समाज के साथ भी शांत हो, और इन सबसे आगे बढ़ने के बाद वो ईश्वर से भी लड़ नहीं रहा हो, उसकी लड़ाई उसके साथ भी संधि हो, शांत उसके विचार जो कुछ उसने चाहा उन सिद्धांतों से भी लड़ ना रहा हो, ये सारी चीजें मिलाकर आपस में शांति स्थापित करती हैं। यहाँ पर जो कुछ भी अभी कोई गलतफहमियां आएंगी, बहुत हमारे सामने आ चुकी हैं पहले से, जगह जगह पढ़ते रहे, पुस्तकें पढ़ते रहे, लिटरेचर आता रहा है, साहित्य सामने आता रहा है, अभी उसके अंदर से विशेषकर जो चीजें आएंगी और उसका अगर इशारा संकेत दिया जाएगा, मैं उनके उनको मैं यहाँ पर समझाने की मैं बात को प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा। इसके साथ में, इस बात के साथ में कि इस्लाम शांति चाहता है और शांति ही चाहता है और अशांति नहीं चाहता। इस्लाम में मैं बहुत फिर संक्षेप में आखिरी बात, जो अभी जो पहला जो मुझे समय मिला था अंतराल, उसमें इतनी बात कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में जहाँ ये कुरान शरीफ के अंदर, पहले इसकी शैली जो है उसके बारे में समझ लें कि कुरान शरीफ के अंदर कोई एक विषय एक जगह नहीं है, ये इस तरह की पुस्तक नहीं है कि यहाँ पर युद्ध, ये युद्ध से संबंधित चीजें हैं, किसी और जगह जो है वो खाने पीने से संबंधी बातें बताई गई हैं, किसी जगह जो है वो नमाज पढ़ने से संबंधी या उपासना संबंधी बातें बताई गई हैं। ये अलग अलग बहुत से उपदेश हैं अलग अलग सूरतों, या जैसे सूरतें हो, जैसे वेद के अंदर सूक्त होते हैं ऐसे यहाँ सूरतें होती हैं, ऐसे सूक्तों के रूप में ये अलग अलग संदेश हैं। उन संदेश में बहुत सी बातें कहीं बार बार आती हैं, बहुत से उपदेशों के अंदर आती हैं, किसी जगह उसको तफसील से कहा गया है, किसी जगह उसको बहुत कम वाक्यों में कहकर गुजर गए, जहां कम वाक्यों पर कहकर गुजर गए हैं उसको छांटा नहीं जा सकता, जहां पर उसकी तफसील भी आई है उस तफसील को साथ में लेना आवश्यक होगा, वरना बात समझी नहीं जा सकेगी, वो गलत फहमियां ही रहेंगी, इस वजह से भी गलत फहमियां होती हैं। और अगले अंतराल में मैं ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि वो सारी चीजें जिन्हें लोग ये समझते हैं कि ये लोगों को परेशान करने के लिए है या लोगों को मारने की बातें कुरान में कही गई हैं, वो सिर्फ उन परिस्थितियों से संबंधित हैं जब युद्ध की आवश्यकता पड़ जाए या शस्त्र उठाना जहां पर जरूरी हो जाए। हमेशा शस्त्र उठाने की बात ना कभी कही गई है और ना कोई भी किसी भी धर्म का कोई ग्रंथ इस तरह की बात कह सकता है कि अपने आसपास जो है वो हमेशा शस्त्र से लड़ते रहें और शस्त्र उठाते रहें और जो नहीं माने उसे मारते रहें। तो मुझे तो शिक्षाएं हमेशा आदि ग्रंथ से लेकर अंतिम ग्रंथ तक हमेशा समान मिली है, और मैं अपनी में बात कर रहा हूँ, और सिर्फ ये मेरी बात नहीं है, आप शायद मिले नहीं होंगे लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हमारे प्रयासों से, और उनकी संख्या हजारों की बात नहीं है, बहुत आगे है, लाखों से शायद ऊपर है, कि जो इस बात को मानते हैं कि इस्लाम धर्म का ही ग्रंथ है, आदि ग्रंथ वेद भी, वो आदि ग्रंथ है और ये अंतिम ग्रंथ है। तो हमें तो किसी जगह पर शिक्षाएं जो मूल संदेश है वो हमें विपरीत नहीं मालूम होते, और अगर शांति की बात यहाँ होती है तो शांति ही की बात जो है वहां पर भी होती है। हाँ, अगर कोई अशांति फैला रहा है तो उसका हाथ रोकना होगा, शांति इसलिए कि शांति स्थापित करनी है, और शायद इसके अंदर उसे भी शांति की परिभाषा ही में ये बात आती है कि अशांति फैलाने वालों के सामने सर नहीं झुकाया जाए बल्कि अशांति को रोका जाए, इसलिए इस्लाम जी मैं ये कहना चाहूंगा। आप लोग मोबाइल बंद कर लीजिए जो आपके पास है। ओम शनो मित्र शं वरुणाय शनो भवद्वर्यमा शनो इंद्रो बृहस्पति शनो विष्णु विक्रमः। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, आदर और सम्मान के सभाध्यक्ष महोदय और इस सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जन ब्रह्म, इसके बिना भी मैं आवाज पहुंचा सकता हूं इस बात की। हमारे भ्राता श्री जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से अपने वक्तव्य के माध्यम से इस्लाम और शांति और इल्हामी किताब और धर्म, यद्यपि विषय इसमें कई आ गए हैं, और इसके जवाब में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, कई बार कहा कि धर्म पहले से है और अंत तक रहेगा, परमात्मा का ज्ञान पहले से है और अब भी है, और पहला ज्ञान इन्होंने वेद को माना है और अंतिम ज्ञान इन्होंने कुरान के लिए कहा है। पहला ज्ञान अगर
वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, तो परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है या अपूर्ण? अगर परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है तो पहले ज्ञान में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो अल्लाह को दूसरे एडिशन में पूरा करना पड़ा? इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के ज्ञान में कमी आ गई। और वो अगर हम वेद को छोड़ भी देते हैं, इस्लामिक सिद्धांत से ही ये पता लगेगा कि अल्लाह ने कुरान को सूरह बकर को यहीं से शुरू किया है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब व यक़ीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून अल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। यहाँ पर अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि अलिफ लाम मीम ये तीन अक्षर हो सकते हैं या तो एक अक्षर, इसके हुर्फ़े मुतक़त्तियात कहा जाता है, इसके अर्थ दुनिया वालों को मालूम नहीं है। दूसरा शब्द आया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। किस किताब के अंदर? कुरान के अंदर। तो कुरान में शक है या नहीं ये पाठकों के ऊपर निर्भर नहीं है। लेखक ने खुद लिखा है, कहा है कि मैंने जो कुछ भी लिखा सही सही लिखा, इसमें संदेह के लिए अवकाश नहीं है। अगर पाठक कहीं उसमें संदेह देख रहे हैं फिर भी पाठकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाठक को अगर स्वतंत्र कर दिया गया होता कि पाठक उसमें निर्णय लेते कि सही पढ़ रहे हैं या गलत, लेकिन पाठक पर वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी के माने होता परहेजगार, यानी अल्लाह बिल्ला करने वाला, अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले। तो जो अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले हैं अल्लाह उन्हीं को हिदायत देता है, यानी गुमराहों को हिदायत देना चाहिए था, लेकिन अल्लाह कुरान का अल्लाह गुमराहों को हिदायत नहीं देता, अपितु जो सही रास्ते पे चलने वाले लोग हैं उन्हीं को ही हिदायत देता है। अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, और जो लोग ईमान ले आए गैब के ऊपर, अदृश्य के ऊपर, अदृश्य के ऊपर जो लोग ईमान ले आते हैं। अदृश्य के माने, मैं यहां अगर आप लोगों से ये पूछूंगा कि मेरी घड़ी में इस समय एक बजने के लिए चार मिनट बाकी है, दिन का समय है, दोपहर का समय है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये दोपहर का समय रात के एक बजने में चार मिनट बाकी रहने में परिवर्तन हो सकता है, यानी देन एंड देयर ये दिन वाला समय रात वाला समय में परिवर्तन हो सकता है? जिसको हम नहीं देखते हैं, जिसको देखा जाना संभव नहीं है, उसी पर ही विश्वास करना। अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, अदृश्य के ऊपर ईमान ले आना, जिसको बिना देखे जान लेना, मान लेना, तस्लीम करना, कबूल करना, स्वीकार करना। और मौलाना ने, हमारे अजीज ने पहले ही कहा है, आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण बिना जाने, बिना समझे, बिना जांच किए, बिना तहकीकात किए। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कुल्लु मा जाअ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह, हदीस में आया है रसूल ने जो बतलाया अल्लाह के तरफ से बिना छानबीन किए हुए, बिना चूचरा किए हुए उसको तस्लीम कर लेना, मान लेना, कबूल कर लेना। जहां पर हमारे मित्र की वेद की बात है तो वेद में यह मान्यता नहीं है। वहां पर मनु ने लिखा है यस तर के सुंदंत सधर वेद ने तारा, कि हर बात को तर के कसौटी पर कसिए, अगर जवाब दे तो मान लेना, जवाब ना दे तो मानने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे यहाँ पर कारण के बगैर क्रिया नहीं होता, लेकिन कुरान में कारण देखना संभव ही नहीं है। हुदल्लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए, अदृश्य पर ईमान लाने वालों के लिए। आगे लिखा है अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब व यक़ीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून, और ईमान ले आए इस किताब पर और इससे पहले जो किताब नाजिल की गई उन किताबों पर। यहां अगर हम वेद को छोड़ भी देते हैं तो कुरान वालों की मान्यता है कि कुरान से पहले तौरात, ज़बूर और इंजील, ये तीनों किताब दाऊद, मूसा और ईसा पर अल्लाह ने नाजिल किया। अल्लाह ने अगर तीन किताब कुरान से पहले नाजिल की, जैसा अभी अभी देखा होगा मैंने एक पुस्तक लिखी है, मैंने किताब लिखा है, तो पहले प्रकाशन में, पहला एडिशन में उस किताब में हमें प्रूफ देखने में कुछ कमी रह गई थी, मैंने दूसरा एडिशन में उसको ठीक किया। और ठीक तभी किया जाता है जब उसमें कुछ कमी रह जाए। तो अल्लाह ने पहले जो तौरात है या जबूर है, इंजील है, उन किताबों में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो कुरान में अल्लाह ने पूरी की, तो अल्लाह का ज्ञान पूरा होगा या अधूरा होगा। और इस प्रकार से ये साफ शब्दों में मैंने यह निवेदन किया और कहा
कि कुरान में और वेद में ना कोई मेल है ना कोई मेल होना संभव है, क्योंकि वेद आदि सृष्टि से है, वेद में विज्ञान विरुद्ध बातों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, वेद वर्ग विशेष के लिए नहीं है। यथे मम वाचम कल्याण इमादानी जनभ्य, पर कुरान ईमान लाने वालों के लिए, अय्युह लजीन आमनू ऐ ईमान लाने वालों, बेईमान वालों के लिए नहीं है। ईमान क्या है तो ईमान मुफसल और ईमान मुजम्मिल को देखेंगे उससे साफ पता लग जाएगा। आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व यौमिल आखिर व القدر خيره و شره من الله تعالى و البعث بعد الموت, कि आमंतु बिल्लाह ईमान लाता हूं मैं अल्लाह पर, ईमान के माने होता है विश्वास, विश्वास करता हूं मैं अल्लाह को। और गैर मुस्लिम भी अल्लाह पर विश्वास करते हैं, लेकिन गैर मुस्लिमों के लिए वहां पर इस्लाम में कोई भी गुंजाइश नहीं है, चाहे जितना ही सदाचारी क्यों ना हो इस्लाम में उसको उसको ईमानदार नहीं माना गया। ईमानदार केवल वही है, आमंतु बिल्लाह ईमान लाता हूं मैं अल्लाह पर, अल्लाह को मैं विश्वास करता हूं, वह मलाइका की मलाइका के माने फरिश्ता, फरिश्तों को मैं मानता हूँ, वह कुछ भी और उनकी किताबों को मैं मानता हूँ, वहां पर और किताबों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, केवल तौरात ज़बूर इंजील और कुरान, वह कुछ भी और वह रसूल ही और उनके रसूलों पर मैं ईमान लाता हूँ। रसूल भी केवल चार है, पैगंबर तो असंख्य है, 124,000 या तो 224,000, पर उस चक्कर में मैं पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि वो गिनती भी नहीं जानते हैं, पर यहाँ पर रसूल के बाद चार है, दाऊद मूसा ईसा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चार को रसूल माना गया है, जिन पर अल्लाह ताला किताब नाजिल किए हैं उनको रसूल कहा जाता है, वो दाऊद मूसा ईसा और मोहम्मद, ये चार पर किताब तौरात ज़बूर इंजील और कुरान, वरुसुल वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन को मैं मानता हूँ, वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह तआला वल बअथ बादल मौत, के अच्छे बुरे का किस्मत को अल्लाह ने बनाया, मौत के बाद वाली जिंदगी में जन्नत में और जहन्नुम में जाना है। इन्हीं बातों को जो बिना छानबीन के वह मान लेते हैं, तस्लीम करते हैं, कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं, वो कहलाते हैं ईमानदार। अब देखिए अच्छे बुरे का किस्मत अगर अल्लाह ने बनाया तो हमारा कर्मफल कहाँ चला गया? कर्मफल वहां नहीं है, इसीलिए अल्लाह ने साफ शब्दों में कुरान में ही कहा, वातुइज्जु मन तशाउ वातुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, यानी अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं इज्जत दान करते हैं, जिसको चाहते हैं बेइज्जत करते हैं। अरे हम बेइज्जत वाला काम करें तभी तो हमें बेइज्जत होना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह चाहेंगे जिसको, अभी तो अल्लाह की मनमानी हो गई, लेकिन वेद में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वेद में इस तरीके से ईश्वर पर आरोप लग जाए, इल्जाम लग जाए, दाग आ जाए, ऐसी कोई बातों के लिए गुंजाइश नहीं है। इसीलिए वेद यथे मम वाचम कल्याणी महाबादानी जनभ्य, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। वेद में केवल आर्य समाजियों की चर्चा नहीं है, वेद में सनातनियों की बात नहीं है, वेद में भारतीयता की बात नहीं है, भारतवासियों के लिए चर्चा नहीं है, मानव मात्र के लिए, समग्र मानव मात्र के लिए। लेकिन कुरान मुखातिब है, या अय्युह लजीन आमनू ऐ ईमान लाने वालों, इसीलिए कुरान में अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है, इन्नद्दीन इंदल्लाह इस्लाम, कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, निस्संदेह उसमें शक उशवा की गुंजाइश नहीं, वहां यब तकी गैर इस्लाम है दीन, एक ही दीन है जिसका नाम केवल इस्लाम है, अल इस्लाम हक व कुफ्र बातिल। इसी प्रकार से कुरान में केवल वर्ग विशेष की चर्चा है, जाति विशेष की चर्चा है, संप्रदाय विशेष की बातें हैं, पर वेद में इन सब बातों के लिए गुंजाइश तो है ही नहीं है। तो फिर वेद और कुरान को हम दोनों को एक कह दें, ये मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है, इसलिए मैं इसका स्पष्टीकरण चाहूंगा। मेरा समय अभी भी बाकी है, लेकिन मैं यहीं तक ही रोक रहा हूं। क्या था चूंकि कि मैं इस्लाम के विषय में परिचय दे दूं कि इस्लाम क्या है, सीधे जो हमारा यहाँ पर विषय है उस पर आने से पहले, और माननीय पंडित जी ही ने कहा था, दूसरे किसी और ने नहीं, इसलिए मैंने परिचय दिया था और वो विषय से थोड़े से हटने जैसी बात थी, लेकिन चूंकि मुझसे ये बात कही गई थी इसलिए मैंने दिया था, वरना मैं नहीं देता, ये मालूम तो हो जाए। अब मेरे पास बहुत से जो प्रश्न आए हैं, और ये प्रश्न करीब करीब 22-23 प्रश्न हैं जो मैंने यहाँ नोट किए, होता ये है कि अगर प्रश्न छोटा सा होता है उत्तर बहुत लंबा होता है। अगर मान लीजिए, ये सिर्फ उसके लिए मैं आपत्ति नहीं कर रहा, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मैं अगर आर्य समाज के ऊपर कुछ आपत्तियां करूं, और मैंने मान लीजिए कि जैसे ये आपत्ति की कि आर्य समाज ने नियोग की प्रथा को कहा कि ये वेद सम्मत है और ये गलत है और ये अच्छी नहीं है, मान लीजिए मैंने कहा ऐसी बात,
आपको समझाने में उसको आधा घंटा लग जाएगा, मैं तो एक वाक्य बोलूंगा खाली, और उसको सिद्ध करने में बहुत समय लग जाएगा। इनमें से एक भी प्रश्न मैं माफी चाहते हुए ये कहता हूँ, दो बातें। पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ क्षमा चाहते हुए कि इसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं, एक भी इसके अंदर बात ऐसी नहीं थी जो आपत्तियां आई, जहां पर मैं ये समझता कि शायद के पंडित जी ने कुरान को समझा है। शायद हर वाक्य में गलत फहमी थी, और हर वाक्य का अर्थ जो कुरान से संबंधित था वो उसके अंदर कुछ ना कुछ संशोधन की आवश्यकता थी हर वाक्य में। तो एक ये तो इसमें से जिन चीजों को आप कहेंगे मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। आप कहेंगे कि मैं हर सप्ताह आऊं तो मैं साल भर तक हर सप्ताह आऊंगा, लेकिन इसमें से किसी एक को भी समझाने के अंदर मुझे एक एक बात को समझाने में आधा आधा घंटा लगेगा जो एक एक प्रश्न था यहाँ पर। ये तो मैंने पहली बात कही, और दो चूंकि बात को मुझसे कहा गया कि मैं इसका उत्तर दूं, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इनमें से एक बात भी विषय पर नहीं थी, इसलिए कि हमारा विषय ये शुरू में तो मैंने कह दी थी ये बात विषय से हटकर मुझे क्या बीच में ना बोले अपने समय पर। शुरू में तो मैंने खुद माना मैंने विषय से हटकर कुछ बातें आपसे कही थी जो मैंने पहली बार कही थी कि इस्लाम क्या है उसका परिचय, और उसके लिए मुझसे कहा गया था और माननीय पंडित जी ने कहा था, इसलिए मैंने दी थी, और मैं आगे नहीं विषय से हटना चाहूंगा। और जिस विषय पे भी और किसी विषय से इसमें किसी बात से नहीं भाग रहा, मेरी अपनी रुचि इसमें है, मेरी जिम्मेदारी है कि इसमें से हर बात मैं आपको जवाब भी दूं और समझाऊं भी। लेकिन जवाब और इसमें से ये जो 22 सवाल थे कोई एक छांट लीजिए विषय बदल जाएगा, मैं समझाऊंगा अगले दो घंटे में आपको विषय बदल जाएगा। बात ये थी क्या इस्लाम शांति की बात करता है, उससे संबंधित जो है ये बात नहीं थी कि अल्लाह गुमराहों को हिदायत नहीं देता, ये गलत है, ये समझना गलत है। अब ऐसे समझाऊं तो समय लग जाएगा इसलिए नहीं समझा रहा अभी, ताकि विषय नहीं बदल जाए। इससे संबंधित जो है ये बात नहीं थी कि गैब पर ईमान लाने को कहता है यूमिनून बिल गैब, ये इस्लाम क्या शांति की बात है या अशांति की, ये उससे संबंधित प्रश्न नहीं था। ये इससे संबंधित प्रश्न नहीं था कि ठीक तो तभी किया जाएगा जब कमी रह जाए, शुरू से यहां तक आया हुआ है, तो ये उससे संबंधित विषय नहीं था। अगर मैं इसका इनमें से हरेक का जवाब मेरा दिल चाह रहा है मैं दूं, अगर इसमें से कोई मुझे दिया जाएगा नहीं इसका तो आप दीजिए, और मुझे अगर विषय से हटकर भी अगर अध्यक्ष महोदय कहेंगे तो मैं दूंगा। तो एक भी मुझे इसमें अभी तक प्रश्न ऐसा नहीं मिला जिसमें हम अपने विषय के ऊपर रहे और मुझसे ये कहा जाए कि इस्लाम शांति का धर्म नहीं है, या उस शांति का उसमें हमारे आपत्तियां ये है, या ये बातें समझ में नहीं आ रही जिसे मैं समझाने का मैं प्रयास करूं। मैंने जितना समय भी लिया है उसे इतना लिया, और अगर अध्यक्ष महोदय कहेंगे मुझसे तो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं विषय पर रहूंगा, मैं उसे अलग भी जवाब दूंगा। मैं निवेदन करूंगा कोई एक प्रश्न बना के आप उसका उत्तर दें तो अच्छा है। मैंने तो खाली समझ लिया कि इस्लाम का दावा रखा था, उसे सिद्ध भी नहीं किया था। मैं समझता हूँ मैं कर सकता हूँ, मैंने सिद्ध भी नहीं किया। एक प्रश्न उनके 22 प्रश्नों में से बिना देखे मानने की बात, बिना समझे मानने की बात करता है, और पंडित जी महोदय ने कुरान की आयत का वो भाग पढ़ने के बाद ये बात कही युमिनूना बिल गैब कि वो बिन देखे ही मान लाते। अनुवाद तो ये बताया कि बिन देखे ईमान लाते हैं, और समझाया ये कि बिना कुरान कह रहा है कि बिना समझे ईमान लाओ। बिन देखे बिन समझे में फर्क होता है, हवा को हमने नहीं देखा हम प्रमाणों से मानते हैं। बिन देखे ईमान लाते का मतलब ईश्वर को नहीं देखा या परलोक को नहीं देखना मानते हैं, ये बिन देखे का। बिना समझे मानने को कुरान नहीं कहता, किसी जगह नहीं कहता। कुरान की तो आयतें भरी पड़ी है, बहुत है कुरान के अंदर ये आयतें कि लोग अकल से काम नहीं लेते, लोग अकल से नहीं देखते, लोग घूम फिर कर चीजों पर विचार नहीं करते, गौर नहीं करते। और मैं एक आयत सिर्फ जो विशेष रूप में एक ऐसी आयत के जो खास तौर से कह रही है, सिर्फ एक जगह का मैं अनुवाद किए दे रहा हूँ कुरान की आयत में बताए दे रहा हूँ, वरना तो बहुत हैं। आप 10-12 कहेंगे 15-20 कहेंगे मैं बताऊंगा, जहां कुरान कहता है अकल से काम लो, बिना 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 सोचे समझे, बिना समझे मानने की बात नहीं करता किसी जगह। बिना देखे कहा गया और बिना समझे की व्याख्या कर दी गई। कुरान समझने की बात करता है, समझ कर इसके अंदर कुरान शरीफ के अंदर आयत है, और वो आयत जो है वो सूरह लुकमान के अंदर है। सूरह लुकमान का नंबर है सूरत, आयत नंबर सूरत नंबर 31, और उसके आखिर के हिस्से के अंदर उस सूरत के आखिर के हिस्से के अंदर इबादुर रहमान कहकर एक बात शुरू की गई है कि वो जो बहुत रहम करने वाला है उसके बंदो तुम्हारे अंदर ये गुण होने चाहिए, ये अच्छी बातें, बहुत सी अच्छी बातें बताई गई कि ये गुण आने चाहिए। उनमें से एक गुण ये बताया गया कि वो बंदे जो है ईश्वर को या अल्लाह को ज्यादा पसंद है, कि जिनके बारे में कहा गया कि
يمشون على الارض هونهم والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. اور وہ لوگ رحمان کے یہ وشیشتا ہونی چاہیے ان کی کہ جب ان کو ان کے رب کی ان کے پربھو کی جب آیتیں ان کو بتائی جائیں اور یاد دلائی جائیں لم یخرو. میں اب ایک ایک شبد کا الگ الگ انواد کر رہا ہوں اس لیے کہ بعض جگہ لوگ انواد غلط سمجھتے ہیں اور غلط بعض جگہ لکھ بھی دیا گیا ہے. میں ایک ایک شبد کا عربی میں الگ ہے. لم کے مطلب ہے نہیں, یخرو ماتھا ٹیک دیتے ہیں, لم یخرو وہ ماتھا نہیں ٹیک دیتے, علیہا اس پر سمم مومیانا گونگے بہرے بن کر, اس پہ گونگے بہرے بن کر اندھے اور بہرے بن کر کے ماتھا نہیں ٹیک دیتے. یعنی سمجھ کر جو لوگ مانتے ہیں ان کا استر جو ہے وہ اونچا ہے. تو قرآن نے تو ہر جگہ یہ بات کہی. ہاں بن دیکھے ماننے کی تو بات کی, بن دیکھے تو ہم بہت سی چیزوں کو پرمان سے مانتے ہیں اور ایشور کو بھی ہم بن دیکھے ہی مانتے ہیں, اس لیے غیب کی بات کہی تھی. میں نے صرف ایک بات کا اتر دیا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ چاہے یہ اتر سویکار ہو اور چاہے نہ ہو ہم وشے پر لوٹ آئے, چونکہ آپ نے آدیش دیا تھا اس لیے. ورنہ یہ کہ آپ جس کو کہیں گے میں اس وشے پر بات شروع کر دوں گا, منع نہیں ہے میری طرف سے, آپ آدیش دیں گے تو شروع کر دوں گا. میرا نویدن ہے جان پورن ہے یا نہیں, کیونکہ اگر ہم ایک ایک وشے کو رکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنڈت جی نے جو باتیں کہی ہیں کہ اللہ کے راستے چلنے والوں کو ہی ہدایتیں دیتا ہے غیر راستے والوں کو نہیں, یہ کیوں یہ اس پرکار سے کسی اچھی بات میں دینا چاہتا ہوں سب کو, لیکن میں پھر کا تاتپریہ یہ تھا کہ میرے متر نے اپنے پہلے وکتبیہ میں پرماتما کے گیان کے سندر میں انہوں نے پرکائے ڈالا اور گیان انہوں نے دونوں کو سدھ کیا, وید کو اور قرآن کو. اس لیے میں اسی کا اسپشٹیکرن چاہا کہ وید اور قرآن ایشوری گیان دونوں کا ہونا کیوں اور کیسے سمبھو ہے. اس لیے میرا پرشن یہ تھا کہ پرماتما کا گیان اگر پورن ہے تو پھر بعد میں اس کو دینے کی کوئی بھی آوشیکتا نہیں ہے. تو اس میں میں پھر وید کو الگ کیا کہ وید کو ابھی چھوڑ بھی دیتے ہیں تب بھی تورات زبور انجیل ان تینوں کتابوں کے لیے بھی میں نے کہا کہ پہلی کتاب میں کون سی بات کی کمی رہ گئی تھی جو بعد میں پوری کی گئی, پھر دوسری میں کون سا بات کو کہنا اللہ بھول گئے تھے جو تیسرا میں پورا کیا, پھر تیسرا میں کیا کہنا چھوڑ گیا تھا جو چوتھا میں پوری کی. تو اللہ کا گیان پورن ہے یا اپورن, پر انہوں نے وید اور قرآن کو ایک گیان پرماتما کا ہونے کے لیے ہی یہ پرشن میرے طرف سے آیا ہے. میں اسی کا ہی اسپشٹیکرن چاہا تھا لیکن اس کا اسپشٹیکرن تو آیا ہی نہیں دیا میں نے. آپ کہیں گے آپ کچھ مذہبی کتاب جتنے بھی ہیں وشو کے آنگن میں, کوئی بھی مذہبی کتاب شانتی نہیں پھیلاتا, شانتی نہیں چاہتا, اپیتو مذہب ویکتی وشیش کے دوارا بنایا ہوا ہوتا ہے. اور قرآن کے 6666 آیتوں میں سے 1000 سے بھی زیادہ آیتیں ہیں جہاں پر غیر مسلموں کو مارو کاٹو لوٹو پیٹو کی باتیں قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے. ادھارن کے طور پر یا ایوہ النبی حرز المومن علی القتال ان یکن منکم سورہ انفال آیت نمبر 65 فیضن سلق اشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقتلوہم لہم کل مرصاد فان تابوا واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ فخلوا سبولہم ان اللہ غفور رحیم سورہ توبہ آیت نمبر 5. یہاں پر اللہ نے صاف شبدوں میں ذکر فرمایا ہے کہ جب نشد مہینہ یعنی 5 نشد مہینہ ہے جس میں لڑائی کرنے کی بات نہیں ہے. ابھی پچھلے دن بھی جب اسامہ بن لادن کی بات باری چل رہی تھی تو اس سمے پاکستان والوں نے بھی کہا تھا کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تب لڑیں گے. تو یہاں پر اسی باتیں کا ہی ذکر کیا گیا ہے سورہ توبہ کے اندر میں کہ اور نشد مہینہ ختم ہونے پر کافروں کو جہاں پاؤ وہی قتل کرو, انہیں بندی بنا لو اور روک دو ان کا راستہ, جگہ جگہ پر تاک پر رہو, ان کو یاتنا دے دے کر کے مارو جب تک وہ مسلمان بننے کا نہ بن جائے اور پشچاتاپ نہ کرے, اور اگر وہ توبہ کر لے نماز پڑھے زکات دے پھر اسے اللہ کے راستے میں چھوڑو. اور اللہ رحم کرنے والا مہربان ہے. اب اللہ رحم کس پر کیا؟ ایک آدمی کو قتل کروا کر کے. اللہ رحم قتل کروا کر کے ہی کرتے ہیں, بنا قتل کیے اللہ کا رحم نہیں ہے.
सूरह तौबा फिर आया है आयत नंबर 14 में, फक्तुलहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीहिम वयहज़ुरुहुम वयज़कुम अलैहिम वयश्फी सुदूर क़ौमिन मुबीन। सूरह तौबा आयत नंबर 14, सूरह तौबा आयत नंबर 20, अल्लज़ीन आमनू वजाहदू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम वअन्फुसिहिम। सूरह तौबा आयत नंबर 29, क़ातिलुल्लज़ीन ला युमिनून बिल्लाहि वला यौमिल आख़िर वयुहर्रिमून मा हर्रमल्लाहु व रसूलहु वयुदीन दीनल हक़्क मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब हत्ता युतिल ख़िज़्यत अन यातिहिम वहुम सागिरून। सूरह तौबा आयत 29, कुरान के साथ मिलाकर देख लेना भाई। सूरह तौबा आयत 39, इल्ला तनफुरू वयुअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा वयस्तब्दिल क़ौमन ग़ैरलकुम क़ौमन ग़ैरकुम वला युहर्रिमूना शैया वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। नहीं है कि मजहबी किताब मजहब के प्रवर्तक यानी मजहब के जन्मदाता को पाए बिना जाने बिना पकड़े बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता। और वेद में अंतर यह है कि परमात्मा को पाने के लिए किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं है। कुरान भी इसका इस पर मोहर लगाता है, वातिउल्लाह वातिउर रसूल कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाह गफूर रहीम। मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता, ईसा मसीह को पाए बिना कोई गॉड को नहीं पा सकता। लेकिन हमारे यहाँ वेद की मान्यता है परमात्मा को पाने के लिए दयानंद का पाना जरूरी नहीं है। अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा कपिल कनाद पतंजल गौतम जमनी व्यास आदि ऋषि का पाना जरूरी नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा का पता ढूंढा जाए और उसी रास्ते पे चलते चले तो परमात्मा का पाना संभव है। लेकिन मजहबी किताब में इन सब बातों के लिए गुंजाइश नहीं है। इसीलिए मजहबी किताब दुनिया में शांति फैलाने के बजाय अशांति इसीलिए है कि मजहब तो व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया हुआ है और धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, जैसा सूरज प्रकाश देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। लेकिन मजहबी किताब में समग्र मानव मात्र के लिए नहीं है, वो पर्टिकुलर एक जाति विशेष के लिए, एक वर्ग विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए, और वो केवल इस्लाम तक ही सीमित नहीं है, अपितु विश्व के आंगन में आज जितने भी मजहब हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, वो पर्टिकुलर एक जाति विशेष के तरह भी मुखातिब है। वो समग्र मानव मात्र के कल्याण के लिए, जो मैं पहले बता चुका हूँ, यथे मम वाचम कल्याणी मावादानी जनभ्य, जो वेद में आया है कि मानव मात्र के कल्याण के लिए ये खूबी किसी मजहबी ग्रंथ में पाया जाना संभव नहीं है। समझता हूँ कि पंडित जी का इस रूप में परमात्मा ने वेद बनाए, बाद में कुरान बनाई, आपका वर्जन जो है वो देख, तो पंडित जी का ये कहना इस रूप में आप इसका उत्तर दें कि जो कुरान की कुछ आयतें आपके समक्ष रखी गई जिनमें काफिरों को कत्ल करने की बात लिखी है, उसको किस दृष्टि से देखा, उसका क्या पर? अभी विजय महोदय ने कहा कि मजहब जो है वो तो अशांति फैलाते हैं, मतलब अरबी भाषा का शब्द है और ये शब्द कुरान शरीफ में एक जगह भी नहीं आया, किसी एक जगह भी। अरबी किसी और भाषा का होता तो हम कह सकते थे कि इसलिए कुरान में नहीं। तो मजहब यहाँ तो लोग बोलते हैं मजहब, अभी पंडित जी महोदय ने भी उसे मजहब कहा। कुरान ने इस्लाम को दीन कहा है और दीन पर्यायवाची है धर्म का, मजहब वाकई अशांति फैलाते हैं, बिल्कुल ठीक फरमाया। और मजहब दीन जो है वो धर्म का पर्यायवाची है, कुरान ने शब्द प्रयोग किया है दीन, मजहब शब्द ही कुरान कहीं नहीं लाया, एक जगह भी नहीं लाया। तो मजहब के हम भी विरोधी हैं कि मजहब अशांति फैलाते हैं, दीन अशांति नहीं फैला सकता। ये तो मैंने मजहब और दीन के विषय में एक बात कही। अब ये बात आई बीच में कि कुरान की जो 6000 से ज्यादा आयते हैं उसकी संख्या, कुछ लोगों ने उसे 6666 लिखा है, तो पंडित जी ने भी उसे यही कहा कि 6666 आयते, थोड़ा सा उसमें अंतर है, उसे जानने दें। 6666 आयतों में से पंडित जी ने ये फरमाया कि 1000 से ज्यादा आयते जो है वो काफिरों को मारने की बात करती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ पहली बात कि 66 से ज्यादा आप नहीं ढूंढ के दे पाएंगे जो युद्ध संबंधी,
एक थोड़ा सा कहने में बात बढ़ भी जाती है ना, मैं सिर्फ उसे रोक रहा हूँ, बाकी कोई नहीं, बदभेद नहीं कर रहा, आगे अपनी बात बताऊंगा। बात जरा कहने में बढ़ जाती है, 66 से ज्यादा युद्ध संबंधी आए थे आपको, आप नहीं दे पाएंगे, ये तो अलग बात हो गई। अब जो है जो युद्ध संबंधी है, जिसमें ये कहा कि काफिरों को कुरान तो जहां पाओ कत्ल करने की बात करता है, उसमें से मैंने नोट की 1, 2, 3, 4, 5 जगह आपने उसका प्रसंग जो है उदाहरण भी दिया, और उसको अध्यक्ष महोदय ने रोका कि हाँ और भी बहुत सी होंगी, अभी इतना रोक कर उसकी हम बात करें। तो ये आयतें जो है, पहली बात इसमें ये समझना जरूरी है, और मैं समझाना चाहूंगा, काफिर किसे कहते हैं? फिर लोग तो यही समझते हैं, और इसी तरह से ये भ्रम जो है वो फैलता है कि काफिर जो है वो काफिर कहते हैं उसे जो मुसलमान नहीं हो, उसे काफिर कहते हैं। मैंने तो पहले भी कहा था कि इस्लाम की के अनुसार, मैं तो इस्लाम के अनुसार कह रहा हूँ, लोगों के दावों की बात नहीं कर रहा, इस्लाम के अनुसार मुसलमान के घर मुसलमान पैदा नहीं होता, जन्म से कोई मुस्लिम नहीं होता, आत्मसमर्पण करने वाला नहीं होता, और वो चाहे जिस घर के अंदर जन्म ले, अगर उसने समर्पण किया है तो वो मुस्लिम है, वरना नहीं है। काफिर शब्द के 3 अर्थ है। पहला अर्थ है डिक्शनरी मीनिंग अरबी भाषा के अंदर, पहला अर्थ है न मानने वाला, इनकार करने वाला। दूसरा अर्थ है काफिर शब्द का छिपाने वाला। तीसरा अर्थ है काफिर शब्द का अकृतज्ञ, नाशुकरी करने वाला, अनग्रेटफुल। मैं इन तीनों शब्दों को बहुत संक्षेप में अलग अलग में कहूंगा। न मानने वाला, न मानने वाला तो किसी को तब कहा जाएगा, किसी को अधिकार नहीं है कि किसी को काफिर कह दे। न मानने वाला तो किसी को तब कहा जाएगा जब उससे कुछ कहा जाए करने को, फिर वो कहे मैं नहीं मानता, तो कहा जाएगा नहीं माना। मैं भाई यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये विनती करूं कि मेरी गाड़ी खड़ी है, जरा सा वहां से जाके आप एक पुस्तक निकाल के ला दीजिए, ये नहीं जाए बैठे रहे मना कर दे, तो मैं कहूंगा इन्होंने नहीं मानी मेरी बात। मैंने इनसे कही नहीं, एक बार भी नहीं कही, और मैं यहां शोर मचाता रहा हूं कि मेरी बात नहीं मान रहे, और मैंने कहा ही नहीं था इनसे, मुझे अधिकार नहीं कहने का। तो काफिर का पहला अर्थ है नहीं मानने वाला, नहीं मानने, ये अधिकार काफिर कहना किसी को तब बनता है जब मैंने समझा दिया और मैंने बता दिया हो कि शांति की है, और समझ में भी आ गई हो, समझ में आना भी जरूरी, और फिर नहीं माने, तब कोई काफिर कहने का अधिकार है, वरना काफिर कहने का अधिकार नहीं है, ऐसे काफिर कह दिया जाता है किसी को। ये पहले, दूसरा अर्थ है उसका छिपाने वाला, छिपाना, जिन्होंने छिपाया। मैं कुरान की बात कर रहा हूं, और मैंने ये भी दावा, यह भी सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने ये मैं बार बार कह रहा हूं, अभी ये दावा ही है, अभी सिर्फ कुछ भी नहीं किया कि कुरान शांति ही की बात करता है, अभी इस विषय में हम चले भी नहीं आगे, ये एक दावा था। ये दावा मुसलमानों का बहुत सोखा है, अगर उन्होंने ये दावा छुपा कर रखा है और सिद्ध नहीं किया और लोगों को जाकर नहीं बताया, तो छिपाने के मुजरिम बने वो, तो काफिर तो इस अर्थ में वो हुए जो छुपाए बैठे और जाकर बता नहीं रहे, छुपाने वाले को काफिर कहेंगे इस अर्थ के अंदर, काफी कर ये अर्थ उनके ऊपर जाएगा लौट कर। तीसरा अर्थ है अकृतज्ञ, नाशुकरी करने वाला, अकृतज्ञ करने वाला, और अनग्रेटफुल। शुक्रिया अदा करते हैं किसी भी चीज का, धन्यवाद अर्पित करते हैं किसी वरदान का, किसी नेमत का। अगर मुसलमान ये समझते हैं कि इस्लाम उनके लिए वरदान है, मैं फिर ही दावे की बात कर रहा हूँ, वो समझते हैं मुसलमान, आप चाहे ना समझे, मुसलमान जब अगर ये समझते हैं कि ये उनके, ये जो है ये नेमत है उनके लिए, ये उनके लिए वरदान है, ये उनकी मुक्ति का मार्ग है जो कुछ बताया गया है, तो और तो नाशुकरी जो होती है, अकृतज्ञता तो किसी नेमत ही की होती है, ये उनको बताया गया और खुद दावा कर रहे हैं, और मैं भी उसको जवाब दूंगा कि हाँ शांति ही की बात करता है, और मुसलमान नाम रखने वाले शांति फैलाते हैं जगह जगह, तो नाशुकरी तो उन्होंने की, तो काफिर तो वो हुए जो नाशुकरी तो वो करेगा जिसके पास नेमत होगी, अगर वो कह रहे हैं तो फिर वो इस अर्थ के अंदर वो काफिर हुए। तो असल बात तो पहले तो मैंने काफिर अर्थ की बात की कि जब काफिर कहने का अधिकार तब मिलता है, अब सिर्फ पहले अर्थ में न मानने वाला, अब उसकी बात मैं कर रहा हूं कि नहीं मान रहे इस्लाम को, शांति को नहीं मान रहे, समझ में आ जाए तो पहले तो समझा दिया जाए कि हाँ है शांति की बात, और फिर कोई समझ में आ जाए, नहीं समझ में आए तो उसको अधिकार है कि नहीं माने, और नहीं मानना चाहिए, और फिर समझ में आ जाने के बाद, सिद्ध हो जाने के बाद फिर नहीं माने तो काफिर होगा, तब उसे कहेंगे इनकार करने वाला। अब मैंने पहले काफिर शब्द का अर्थ समझाया, अब बात यह आ रही है कि काफिरों को कुरान मारने की बात करता है, और कत्ल करने की, और उनकी हत्या करने की बात करता है, और विषय साथ में यहां से ये भी आ गई थी पंडित जी महोदय की, और मैं इसमें से हर आयत को, मैं सच कह रहा हूं आपसे, मैं हर आयत को अलग अलग समझाऊंगा, लेकिन एक बीच में विषय ये भी आ गया, एक बीच में बात ये भी आ गई थी, और इस पर हमें सभापति महोदय ने भी उसको दोहराया था कि अभी चाहे अभी हो चाहे जरा सा रुक कर मैं इसे भी बताऊं कि एक ज्ञान आ चुका,
तो क्या खुदा भूल गया ये ज्ञान बार बार क्यों आ रहा है, वेद के और कुरान को मिला क्यों रहे हैं? तो इसलिए जब मैंने इसको भी मैंने सिद्ध नहीं किया यहाँ पर, मैंने तो सिर्फ अपना दावा पेश किया था कि इस्लाम ये कहता है और कुरान ये बात कहता है। आप कुरान को नहीं मानते लेकिन कुरान ये बात कह रहा है कि वेद को कुरान रेफर कर रहा है, कुरान वेद का नाम लिया है कुरान ने, तो इसलिए हम उसके अंदर आस्था रखते हैं, इसलिए हम उसे अपना आदि ग्रंथ मान रहे हैं। अब और मैंने ये जो कहा कि चूंकि हम इसी विषय पर हैं, दूसरे विषय पर नहीं, आप मुझे किसी और विषय को कहेंगे तो मैं उसी को भी दिखाऊंगा, क्योंकि इस पे इस विषय पर है। इसलिए वो आयतें कुरान की जो युद्ध की बात करती हैं, जिसके अंदर किसको मारने की और कब मारने की ये तो अभी बताऊंगा, लेकिन जो युद्ध की बात करती है और मारने की बातें करती है कुरान में, अगर 66 आयतें तो 66 आयतें फिर मैं वेद में से भी दिखाऊंगा, इसलिए कि मेरी आस्था है उसके ऊपर, और वो भी आदि ग्रंथ है, ये सिद्ध करने के लिए कि दोनों ग्रंथ एक हैं, तो वो फिर मैं उस वहां पे भी दिखाऊंगा कि वो भी मारने की बात करते हैं और काटने की बात करते हैं, लेकिन कब करते हैं, किन परिस्थितियों में, हम समझते हैं और हम उस पर आपत्ति नहीं करते, इसलिए कि हमें मालूम है कि किन परिस्थितियों के अंदर है। अब ये भी मैं उसको दिखाना चाहूंगा उस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए, जरा सा रुककर पहले अभी फिर सैद्धांतिक रूप में मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मैंने पहले कहा था शुरू में, अपने पहला जो मेरा वक्तव्य था जिसमें मैंने कहा था कि कुरान शरीफ के अंदर नहीं समझ पाएगा कोई, और मैं माफी चाहता हूं पंडित जी महोदय भी नहीं समझ सके, कि तो कुरान को नहीं, गलतफहमियां हो जाएंगी अगर एक ही विषय को सब जगह से उठाकर साथ में रखकर जोड़कर नहीं देखा जाए। कुछ जगह कुछ बातें संक्षेप में कह दी गई हैं और कुछ जगह उसकी तफसील है, बार बार कुछ जगह उसकी व्याख्या है, वहां से भी उठाना पड़ेगा, यहां से भी उठाना पड़ेगा। अब जहां पर व्याख्या उसे छोड़ दिया जाए और जहां संक्षेप में है उसे ले लिया जाए, तो जगह जगह कुरान ये आ गया, ये माना जा रहा है अपने आप में, इसको पेश करने वाले ने इस बात को समझा के लोगों ने पूरे को पढ़ा है, लोगों ने उस जो साथ में जो डिटेल है इसके अंदर जो व्याख्या उसे भी पढ़ लिया है। अब कहीं संक्षेप में अगर कहते गए तुम युद्ध करो तो इसका यह अर्थ नहीं कि युद्ध का आदेश है, ये बता दिया गया कि युद्ध का आदेश कब था, ये तो पहले ही बताया जा चुका है। मैं ये बताना चाहता हूं कि कुरान शस्त्र की बात कब कब करता है, सारी उन परिस्थितियों से, और चौथी कोई जगह नहीं जहां कुरान युद्ध की बात करो, शस्त्र उठाने की बात करें, तीन परिस्थितियां हैं वो पहले मैं बताना चाहता हूं, कुरान कब शस्त्र उठाने की बात करता है, उन तीन के अलावा चौथी कोई नहीं। किसी को इस्लाम कबूल करवा दे, जैसे भी आयत का अनुवाद आया मैं उसे समझाऊंगा, किसी को इस्लाम स्वीकार करवाने के लिए और मनवाने के लिए युद्ध किया जाए और शस्त्र उठाया जाए, कुरान उसकी इजाजत नहीं देता, ये जायज नहीं है, ईमान नहीं बचेगा किसी के साथ में। कुरान तो कहता है जबरदस्ती नहीं की जा सकती दीन के मामले में, तब कहीं इस्लामी कोई स्टेट बन गई हो उसका विस्तार करने के लिए, इलाकों को जीतने के लिए, और वहां पर अपनी सेनाएं भेजे और जीत ले कि हमारी इस्लामी स्टेट बन जाएगी और इस्लामी कानून ज्यादा जगह इस्लाम इजाजत नहीं देता इसके लिए शस्त्र उठाने की। सिर्फ तीन परिस्थितियां इनकी कुरान बात कर रहा है। नंबर एक वो है, पहली परिस्थिति जो है वो सूरह नंबर 22 में है, सूरह अल हज उसका नाम है, हज सूरह नंबर 22 में और आयत नंबर है 40। वहां पर ये कहा कुरान शरीफ में, मैं सिर्फ अनुवाद सुना रहा हूं आपको, अभी मैं नहीं सुना रहा, समय लगेगा उसके अंदर। कुरान ने उसके अंदर ये कहा वहां पर कि अब उन लोगों को कि जिनसे लड़ाई की जा रही थी ये अनुमति दी जाती है, यहाँ खाली अनुमति है, अब उनको अनुमति दी जाती है जिनसे लड़ाई की जा रही थी और लोग उनसे लड़ने आए थे और उन्हें उनके घरों से निकालने के लिए आए थे, उनको इजाजत दी जाती है कि वो उनसे लड़े। यहां पर तो अनुमति के शब्द हैं और ये तो आत्म सुरक्षा की बात दुनिया में सब स्वीकार करते हैं, और ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत ऐसा नहीं कि हर जगह सिर्फ अनुमति है, किसी जगह आदेश की है। आदेश की परिस्थिति कुरान ने जो बताई वो सूरह नंबर 4 है, सूरह निसा और आयत नंबर है 75। सूरह निसा की आयत नंबर 75, उसके अंदर कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, मैं अभी फिर नहीं पढ़ रहा हूं, मैं खाली उसका अनुवाद सुना रहा हूं, तुम्हें क्या हो गया है अल्लाह तो कि तुम जाकर लड़ते नहीं ईश्वर के मार्ग में, उन लोगों से जाकर नहीं लड़ते जिन्होंने कमजोर पाकर बहुत बड़े बड़े वर्गों को जमीन में दबा रखा है और उनको कुचल रहे हैं, उसमें मर्द भी, उसमें पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं और बच्चे भी हैं, और वो चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और आवाजें दे रहे हैं कि हे ईश्वर हमारा कोई सहायक वेद तुम्हें, उसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम की खैर नहीं, चाहे जो हो, अगर किसी वर्ग को दबाया कुचला जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, कुरान कहता है जाओ लड़ो, ये अल्लाह के मार्ग में लड़ना होगा, जाकर उनसे अत्याचार से उनको बचाते क्यों नहीं, ये दूसरी परिस्थिति है जिसमें कुरान शस्त्र उठाने की बात करता है। एक तीसरी परिस्थिति है वो सूरह नंबर 9 के अंदर है, जिसकी कुछ आयतें अभी विद्वान महोदय ने अभी पढ़ी और उसका प्रसंग जो है वो मैं उसके अनुवाद के साथ में आपको बताऊंगा। उसके जो सूरह नंबर 9 जो है ये तीसरी परिस्थिति है जो उसके अंदर बताई गई है कि अगर किसी कौम से, किसी दूसरे वर्ग से जो अलग हो, उनसे तुम्हारी कोई संधि हो और उस संधि को उनकी तरफ से तोड़ा जाए,
संधि को उन्होंने ब्रेक किया हो और तोड़ा हो तो संधि तो अब उसके बाद इस बात की इजाजत है कि जैसी परिस्थितियां तुम लड़ सकते हो लड़ो, नहीं लड़ सकते मत लड़ो, लेकिन अब इजाजत है, अगर ताकत है तो लड़ना, नहीं ताकत है मत लड़ना। अगर संधि उनकी तरफ और अगर संधि उनकी तरफ से नहीं तोड़ी गई है कभी, और वो अच्छे लोग हैं, उन्होंने संधि की पाबंदी की है, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हो, तो फिर संधि का ख्याल रखना और फिर अपनी बात से किसी जगह नहीं हटना। इन तीन परिस्थितियों के अलावा चौथी कोई परिस्थिति नहीं जहां पुराण शास्त्र उठाने की बात करें। अब जितनी भी आयते पुराण शरीफ में और जितनी और आएंगी इन चार और छह के अलावा, वो इन तीन परिस्थितियों से बाहर एक भी नहीं है। चाहे वहां पर अब एक जगह बता दी गई तफसील इसकी, अब चाहे उस जगह बार बार नहीं कहा गया हो कि जब युद्ध हो रहा है तब ये बताया जा रहा है, कहा के है नबी इनको उभारो, इनको समझाओ, इनको उकसाओ तुम इस युद्ध करने के ऊपर कि इनसे जो लोग काफिर है उनसे लड़ो। मैंने काफिर कर समझा चुका आपको कि जिनकी समझ में आ गया है, समझाया जा चुका है, और उसके बाद फिर वहां पर सूरह 9 के अंदर संधि, वो संधि उन लोगों ने तोड़ी थी। कहा कि जिन्होंने अपनी संधि तोड़ी है, तुम्हारी संधियां उनसे क्यों तोड़ा, तो इन लोगों को समझाओ और कि ये अल्लाह के रास्ते में भागे नहीं, फिर उनसे लड़ेंगे और लड़ाई से हटे नहीं। तो लड़ने की बात कही गई वहां पर, उन लोगों से लड़ने की बात उस उन परिस्थिति में कही गई जहां युद्ध जरूरी हो जाता है शस्त्र उठाना, या तो अपनी रक्षा में, या वहां पर जहां कहीं जुल्म रोका जाए, या कहीं पे संधि तोड़ी गई। इसके अलावा नहीं कि मेरे घर के पास कोई रहता है और उसको मैं कहूं कि कुरान तो कह रहा है ये काफिर है, पहली बात तो मैंने कुछ बताया नहीं, फिर ये काफिर है और मैं जाके कभी भी मौके से जाने के बाद इसकी हत्या कर दूं या इसे मारूं या कम से कम तकलीफ पहुंचाऊं। इसके लिए भी जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, जो मूल सिद्धांत मौलिक सिद्धांत कुरान देता है उन लोगों के लिए जो इस परिस्थितियों से अलग, वो जो गैर मुस्लिम है उनके साथ में संबंध क्या हो असल। अब बाकी जितनी भी कुरान में आए थे वो सब उसके अंदर में पढ़ी जाएंगी और उसके अंतर्गत पढ़ी जाएंगी, उससे अलग नहीं पढ़ी जाएंगी। वो है सूरह नंबर 60। कैसे में हो गया नहीं। तो वो है सूरह नंबर 60 पहले का बचा हुआ है, पहले का बचा हुआ है। ये समय आप वो टिक कर दिए, मैं रुक जाऊंगा। सूरह नंबर 60 और उसके अंदर आयत नंबर 8 और 9, इसका मैं अनुवाद सुना देता हूँ। ये गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये वो सिद्धांत है जिसके अंतर्गत वो सारे लोग जो गैर मुस्लिम है, जो युद्ध अवस्था में नहीं, जैसे जिनसे मिलने जुलने का हमारा रोज का संबंध है, कुरान ये नहीं कह रहा है वो काफिर है जाके मारो। जो लोग कुरान को नहीं समझ रहे वो भी कह रहे हैं कि कुरान तो ये कह रहा है उन्हें जाके मारो, और उसामा बिन लादेन भी ये कह रहा है कि उन्हें जाके मारो, कोई फर्क ही नहीं बचा दोनों के अंदर। अब इस्लाम ये नहीं कह रहा, कुरान ये नहीं कह रहा, बात ये कि कुरान ये आयतें ये कह रही हैं इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीना कातलूकुम फिद्दीन वअखरजूकुम मिन दियारिकुम बज़ाहिरु अला इखराजिकुम अन तवल्लौहुम। और इससे पहले 8वीं जो थी शुरू हुई थी, मैंने 9वीं पहले पढ़ दी। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन, अल्लाह तुम्हें उन लोगों से मना नहीं करता, ये उन लोगों से मना नहीं करता जो तुमसे दीन के मामले में जिन्होंने तुमसे लड़ने नहीं आए, जो दीन की वजह से तुमसे लड़ने आए उनकी बात कर रहा था, उनके अलावा तुम्हें मना नहीं करता कि तुम उनके साथ में इंसाफ का बर्ताव करो, तुम उनके साथ में नेकियां करो, तुम उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, और जिन्होंने तुम्हारे घरों से नहीं निकाला उनके बारे में नहीं कह रहा अल्लाह तुमसे, इसलिए कि अल्लाह तो इंसाफ को पसंद करता है, न्याय को पसंद करता है। अगली आयत में कहा 9वीं में कि अल्लाह तो तुम्हें उन लोगों से मना कर रहा है कि तुम उनसे दोस्ती करो और उनके साथ अच्छे संबंध रखो, उनसे रोक रहा है कि जिन्होंने तुमसे दीन की वजह से तुमसे लड़ने के लिए आए और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे घर से निकालने वालों की सहायता की, उनसे कर रहा है कि तुम उनसे दोस्ती के संबंध मत रखो, बाकी दूसरों से नहीं कह रहा। तो कुरान ने दोस्ती के संबंध रखने की बात की कि अल्लाह मना नहीं कर रहा। तो जहां जहां यह है कि इन्हें मारो या इन्हें पकड़ो, उसके साथ हर जगह कुछ नैतिक और भी बातें कही गई जो छोड़ दी जाती हैं, यहां भी छोड़ दी गई, आज भी छोड़ दी गई इस अनुवाद के अंदर, मैं उन्हें पूरा करूंगा जो उसी के साथ में मौजूद है। युद्ध हो लेकिन अगर उसकी बात आए दूसरों की तरफ से, शत्रुओं की तरफ से, कि अब रोक दिया जाए, मान लेना, चाहे वो हार रहे हो तब भी मान लेना, तो हर जगह पर शांति की बात करता है। मैं उसकी तस्वीर फिर रखूंगा। मैंने सिर्फ अभी तीन वो रखे, सिर्फ तीन सिद्धांत रखे, तीन सिद्धांत हैं। इन तीन परिस्थितियों के अलावा कुरान युद्ध की बात नहीं करता। अब अगर चाहे किसी आयत में अनुवाद में ना हो ये बात कि ये, और खाली ये हो कि नबी इनसे कहो कि लड़ते क्यों नहीं, ये बात समझनी पड़ेगी, वरना आप कुरान को नहीं जानते हो, कुरान को समझते नहीं, और सिर्फ गलतफहमी और अगर कोई समझाए तो समझना चाहते नहीं। अगर ये कुरान को जानने वाला आपको हर एक ये बताएगा कि इन परिस्थितियों के अंदर कहा जा रहा है, अगर किसी जगह आप तफसील नहीं आई ऐ नबी इनसे कहो के लड़े, तो ये मतलब नहीं है कि जहां पर वो लोग गैर मुस्लिम हो तो जाओ उनसे लड़ना शुरू कर दो। मतलब ये कि अगर युद्ध का क्षेत्र है तो लोगों को समझाओ कि इस मौके को भागना ठीक नहीं है, जैसे श्री कृष्ण ने किया था अर्जुन के साथ में, और जैसे वेद कहते हैं, जिसके मैं बात को उद्धरण दूंगा। ये मैंने अभी कुछ बातें रखी, इन आयतों का जवाब फिर ये था कि मुझे परिस्थितियां बतानी थी युद्ध की कि जिसमें कुरान शस्त्र उठाने की बात करता है, और फिर उसके बाद अलग अलग इन आयतों का जवाब दूंगा। ऐसा है
खत्म कर दूंगा। काफिर का परिभाषा अभी अभी आपने सबने मिलकर के सुने हैं, मेरे मित्र ने काफिर का परिभाषा बताया। तो कुरान में, कुरान तो कलामुल्लाह है, अल्लाह का ही कलाम है। कुरान को हम तो झुठलाते हैं या हम नहीं मानते हैं वो अलग बात है, लेकिन कुरान के मानने वाले कभी कुरान को झुठला नहीं सकते। कुरान में सूरह बकर आयत नंबर 98 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है काफिर कौन है, मन काना अदुवल लिल्लाहि व मलाइकातिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाहा अदुवल लिल काफिरीन। के जो अल्लाह को नहीं मानता, उसके रसूल को नहीं मानता, जिब्राइल और मिकाइल नामी फरिश्ता को नहीं मानता, वो सब के सब काफिर है। यहाँ पर जो गैर मुस्लिम बैठे हैं भाई, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग जिब्राइल और मिकाइल नामी फरिश्ता को मानते हैं क्या? नहीं। भाई सबसे पूछ रहा हूँ यार, बोलो ना कि नहीं मानते। बोलने में कि नहीं मर रही है? नहीं नहीं मानते। बोलते वही तो मैं बोल रहा हूँ। वो उन्हें कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हो, वो इनको कह रहे हैं कि आप लोग जिब्राइल और मिकाइल नामी फरिश्ता को मानते हैं क्या? नहीं। मानने वाले मुसलमान, न मानने वाले क्या हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। कुरान में साफ शब्द में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है मन काना अदु वल्लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदु वल्लिल काफिरी। काफिर का वल जारिज़ुल क़ुरबा वल जारिज़ुल जुनूब व साहिबी बिल जंबी व इब्न सबील। वहां पर पड़ोसी को तीन हिस्सों में बांटा है अल्लाह ने कहा वल जारिज़ुल क़ुरबा, कि एक पड़ोसी वह है जिसके साथ क़ुराबात है, उनका रिश्ता है। वल जारिज़ुल क़ुरबा वल जारिज़ुल जुनूब व साहिबी बिल जंबी व इब्न सबील शब्द आया है कि एक पड़ोसी वह है जिसके साथ खून का रिश्ता नहीं है, एक पड़ोसी वह है जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाला साथी, ट्रेन में बस में सफर करने वाला साथी, काम काज करने वाला साफी, वहां मुस्लिम और गैर मुस्लिम में कोई तख़सीस नहीं है, एक दूसरे के प्रति हमदर्द बनना चाहिए। दूसरी आयत में अल्लाह ने फिर जिक्र फरमाया, अगर ये एक जगह कहा तो चार जगह कहा ला यत्तखिज़ुल मोमिनूना अल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन व मन यफअल ज़ालिका फलैस मिनल्लाहि फी शैइन लन तत्तकू मिन्हु तुका व युहज़िरुकुमुल्लाहु नफ़सहु व इलल्लाहिल मसीर। मुसलमान मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। काफिर का परिभाषा मैं पहले बता चुका हूं। अगर एक जगह तख़सीस नहीं है कहा कि मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो एक दूसरे के प्रति हमदर्द बनना चाहिए, पर चार जगह इन बातों को कहा है कि मुसलमान मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ दिल से और जुबान से। अगर तुम दोस्ती रखते उन काफिरों से, मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। तो ये परस्पर दोनों आयत विरोधी है या एक है, बंधुओं जरा आप इन लोग ही निर्णय लें। कुरान में इसी प्रकार परस्पर विरोधी बातें हैं, कुरान में परस्पर विरोधी बातें हैं, इसीलिए इसके निर्णय तक पहुंचने के लिए लंबा समय चाहिए। कुरान को जानना, कुरान को समझना, कुरान को पढ़ना, कुरान के मुतालिक जानकारी रखना बहुत जरूरी है, पर दुर्भाग्य हमारे लिए यह है कि हमने केवल एक पक्ष को जानने का प्रयास किया है। हम अगर दोनों पक्ष को जानेंगे, कंपैरेटिव स्टडी किए बिना इसका समाधान निकालना संभव नहीं है। इसलिए ज्यादातर लोग जो हैं वो कंपैरेटिव स्टडी को नहीं जानते। जब दोनों पक्षों, देखिए मैं कुरान ही लिए बैठा हूं और यहाँ वेद भी मेरे पास सारा है, जहां आप कहेंगे कुरान से मैं वहीं से ही प्रमाण दे दूंगा और जहां वेद से कहेंगे मैं वेद से ही वही प्रमाण दे दूंगा। इसलिए मैंने निवेदन किया कि परस्पर विरोधी बातें हैं तो कुरान में परस्पर विरोधी बातों का होना संभव है, लेकिन वेद में परस्पर विरोधी बातें होना संभव नहीं है। अब कि वक्तव्य में जो जिक्र आता है, जहां जहां ये जिक्र है, आपने बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया कि भी काफिर को मारो जबकि मुसलमान ही काफिर, लेकिन जहां जहां ये 10 प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं समझता, अब 66 कहें या 1000 कहें, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक प्रमाण है, आप एक प्रमाण देते हैं, आप उसको ढंग से उसको निस्तारित कर देते हैं या खंडन कर देते हैं तो वो समझा जाएगा कि ये बात समाप्त हो गई। मेरा निवेदन ये है कि जो सूरह बकर 98 में काफिर की परिभाषा की है, आपने भी की है,
तो आपकी परिभाषा और कुरान की परिभाषा में मान करके, क्योंकि आम तौर से सामान्य व्यक्ति ये समझता है कि कुरान शरीफ ऐसा कहता है, आप ऐसा मानते हैं या जो भी व्यक्ति ऐसा मानते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जाहिरा तौर पर जो दिखाई देती है, मेरे को बार बार कोई कुछ कहे तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे अंदर कोई दोष ना हो ऐसा। तो मेरा निवेदन ये है कि हमारा विषय बहुत अच्छा है, और इस सबसे अतिरिक्त मैं तो ये समझता हूँ आज कम से कम हम दोनों भाई बैठ करके एक विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ उद्यत हुए हैं और एक अच्छा माहौल बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो दोनों से निवेदन करूँगा कि समान रूप से कि एक अच्छा प्रयास है, विषय में विषय आएंगे, बहुत आएंगे तो हम उनको उलझेंगे भी, ऐसा नहीं है, ये सैकड़ों वर्षों की हजारों वर्षों की कवायद रही है। तो आप ये समझें कि इसको दो मिनट में या दो घंटे में या दो दिन में पूरा किया जा सकता है, लेकिन निवेदन मेरा ये है कि हम उसको विषय पर केवल इतना केंद्रित रखेंगे कि जो पंडित जी साहब ने कहा है कि काफिर की ये परिभाषा है, उसके हिसाब से हम उसको संतुलित रखें विषय को। हाँ जी, कर रहा है डिक्शनरी के मैंने अंत बताए थे, कुरान ने उसको और थोड़ी तफसील एक जगह बताई और दस जगह और भी तफसीलें बताई हैं। काफिर कहते हैं नहीं मानने वाले को, तो मैंने तो सिर्फ ये कहा कि अपनी आंखें नहीं बंद कर लेगी, वो जो था कि ना अब बिना विवेक बिना बुद्धि के मान लो, बिना बुद्धि के नहीं, इस पर भी बुद्धि लगाओ। मैंने तो ये कहा था कि बुद्धि का प्रयोग भी सब लोग करें साथ में, ये बिना बुद्धि की बात कुरान नहीं करता। तो जब ये कहा काफिर का अर्थ है इनकार करने वाला और नहीं मानने वाला, दुनिया की कोई भी शब्द को शब्द की देख लीजिए, कुरान ने कहा कि जो उन फरिश्तों को नहीं मान रहे वो लोग काफिर हैं, तो नहीं मान रहे का यही अर्थ है। अब ये बात बिल्कुल ठीक है, कुरान की बात थी, नहीं मानने का अर्थ ये है कि जब उनको प्रमाण दे दिए जाए, जब उन्हें समझा दिया जाए और उसके बाद फिर वो अड़े रहे कि हम तो नहीं मानेंगे, और वो प्रमाण सिद्ध भी हो समझ में आते हो, और फिर तब काफिर कहने का अधिकार बनता है, वरना जब तक जब समझाया किसी को नहीं किया तो कोई काफिर कहते हो जाएगा नहीं मान रहा। मैंने तो सिर्फ इतनी बात सैद्धांतिक रूप में कही, और कुरान ने जो बात कही वो भी ठीक है कि जो फरिश्तों को नहीं मानते वो काफिर है, जो अल्लाह को नहीं मानते वो काफिर है, तो जो अल्लाह के रसूलों को नहीं मानते वो काफिर है। नहीं मानते का मतलब ये कि जब उस बात को सिद्ध कर दिया जाए, समझा दिया जाए, नहीं तो अब ये उसकी व्याख्या है जो मैंने कही थी कि जब उसे बता दिया जाए और जब सिद्ध कर दिया जाए और उसके बाद भी मान जाने उस समझ जाने के बाद भी कोई नहीं माने, तब काफिर कहने का अधिकार होता है, वरना नहीं होता काफिर कहने का अधिकार। कि नहीं मान रहा, बताया गया नहीं तो नहीं मानने का अर्थ क्या बना, तो नहीं मानने का कोई अर्थ नहीं बनता। अब इस बात से अलग फिर इसके बाद में अगली मैं बात रख रहा हूं कि दो जो मैंने पिछली बार कही थी, कि पहली बात तो मैं कुछ वेद से प्रमाण देना चाहता हूं, इसलिए कि ये कुरान के अनुसार आदि ग्रंथ भी जो है वो ये जो वेद हैं ये पहले ग्रंथ हैं सारी मानवता के। आप बहुत से लोग यहाँ अंतिम ग्रंथ को नहीं मानते, लेकिन कुरान पहले ग्रंथ को मानता है, बीच की और चंद की बहुत सी जो अल्लाह की तरफ से किताबें आई उनको भी कुरान मानता है, तो जिसे मैं भी उसके अंदर रास्ता रखता हूँ, मैं भी उसे मानता हूँ। कुरान के बारे में जब ये बात कही गई, ये दो ऐनकें लग जाती हैं आंखों के ऊपर। इसको अभी तो मैंने समझाया उसे, मैं समझ रहा हूँ कि शायद समझना नहीं चाहा ठीक से, या मेरे समझाने में कमी रह गई होगी, कि कुरान तीन परिस्थितियों में युद्ध की बात करता है। उन तीन परिस्थितियों में अगर हो तो फिर ये सारी हवा जो आप आए थे उनका आप अनुवाद करते चले जाइए। उन तीन परिस्थितियों में जब युद्ध की जरूरत पड़ जाए और हथियार उठाने की पड़ जाए, तब ये होगा कि ये जितनी भी हिदायतें हैं और जितने भी निर्देश हैं इन पर अमल किया जाएगा, वरना नहीं। ये तो रही एक बात, अब जितनी भी आयतें उसमें लाए, ये यहाँ ये सिद्धांत यहाँ पर आ चुके हैं जो मैं यहाँ पे बता चुका, और आयतों के नाम के साथ में बता चुका, चाहे तो उसका अनुवाद यहाँ पर पढ़कर सुना दे, मैं पढ़कर सुना चुका उनमें से दो जगहों के। अब मैं यहाँ से वेद से कुछ उदाहरण जो है मैं देना चाहता हूँ, इसलिए कि वेद भी आदि ग्रंथ है और शांति की बात जब हो रही है तो कुछ हवाले जो है वो कुछ उदाहरण आप इसे नोट कर लें और यहाँ पर वेद रखे हैं और निकालने के बाद आप उसे देख सकते हैं और समझा सकते हैं कि इसके अंदर अथर्ववेद के अंदर अथर्ववेद का कांड 12 सूक्त नंबर 52 उसके अंदर 61, 62, 65 से लेके 71 तक मंत्र, जहां कहा गया कि तू चीर डाल, तू मार डाल, तू नस्ल दे, तू हड्डियों को पीस दे, तू चिथड़े उड़ा दे, ऐसा मार देने की बात तो कुरान ने कहीं इतने ऐसे शब्द कुरान ने प्रयोग नहीं किया किसी जगह। मैं बुराई से नहीं कह रहा इसे भी, मैं साथ में ये कह रहा हूं
अलग अलग समय की बात थी, किसी समय में किसी भाषा के अंदर शैली बदलती थी, लेकिन शैली यहाँ पर यह है ये जो उसके अभी ये मंत्र में पढ़ के सुना दूंगा। और इसीलिए मैं यहाँ पर मैं भी साथ में लाया हूँ, यहाँ पर तो मौजूद है चूंकि हम यहाँ पर हैं आर्य समाज के अंदर, आर्य समाज मंदिर के अंदर। और स्वामी दयानंद और दयानंद भाष या समाजी भाष जो है, जो बात को पूरा हुआ था, वो मेरे पास भी यहाँ मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है। तो ये जो मैंने दिए है इसका मैं चाहूंगा कि अनुवाद यहाँ पर मैं पढ़ के मैं बता दूंगा उसी में से देख कर, और नहीं जरूरत है पंडित जी पढ़ के बता सकते हैं। मैं दूसरे और बहुत से कुछ आपको उदाहरण जो है वो दे सकता हूँ। ऋग्वेद 1:29-7, ऋग्वेद 1:51-8, पर पीड़ा करने वाले अधर्मी दुष्ट मनुष्य को मार। राजा या वहां पे बताया गया कि राजा से कहा गया कि हमारे दुश्मनों को सबको मारो और ऐसा युद्ध करो कि बहुत सा माल मिल जाए, जैसे कि युद्ध का मकसद और उद्देश्य यह हो कि माल बटोरना हो। यह भी मैं आपत्ति के उसमें नहीं कह रहा हूं, मैं समझता हूं इसका, लेकिन मैं सिर्फ मैं शब्दों की बात कर रहा हूं कि अगर सिर्फ हम शब्दों को ले लें तो उससे क्या क्या गलत फहमियां भ्रांतियां पैदा होती हैं। मैं तो मैं निंदा के लिए नहीं कह रहा, दुश्मनों को मारो और माल लो, ऋग्वेद 10:83-3, अग्नि राक्षसों की गर्दन उड़ा दे, जैसे काफिर यहां पे कहा गया ऐसी। अब राक्षस की आप व्याख्या करेंगे कि राक्षस किसे कहते हैं, जो कोई भी है राक्षस, जो राक्षस है तो वो अपने उनको मारे, उनकी गर्दन उड़ा दे, मारने की बात कही गई वहां पर, क्या उनका यही काम है कि मारे। और अग्नि जो है वो अग्नि सबसे आगे के ईश्वर को परमेश्वर को कहा गया है, उनको मार दे, उनकी हत्या कर दे और उनकी आंखें निकाल दे। हत्या करना तक ठीक है, आंखें क्यों निकाल दे, कुरान ने तो कभी मारने से आगे की बात नहीं कही। अगर कहीं को मारने की बात कही गई वो भी मैंने आपको बता दिया सिर्फ युद्ध की परिस्थितियों में। और मैं फिर ये कह रहा हूं कि मैं इसका समझता हूं, मुझसे कहा जाए तो मैं समझा दूंगा, लेकिन सिर्फ मैं तुलना के लिए मैं सामने रख रहा हूं कि ये चीजें जो है यहां पर मौजूद है। जब दो आईने के लगाते हैं, जब इसे समझा कि हम वेद को पढ़ें और इन शब्दों को देखें तो हमारे मन में आपत्ति नहीं आएगी और उसे हम नहीं समझेंगे अशांति की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि युद्ध की परिस्थितियों से संबंधित बातें हैं। और जब हम कुरान की ऐसी आयतों को पढ़ें तो हम समझेंगे ये तो सबको हमेशा मारने की बातें की जा रही हैं। ये मैं इसको सिर्फ यहां पर तुलना करके मैं सिर्फ इतनी बात यहां बताने चाह रहा हूं। हे ईश्वर जो हमें बुरा समझा, मैं भावार्थ बता रहा हूं यहां से, अनुवाद नहीं है। हे ईश्वर जो हमें बुरा समझे और मारना चाहे और हमसे शत्रुता का बर्ताव करे, उन सबको भस्म कर दे। अथर्वेद 4:36-1, हम शत्रुओं को निहत्ता करके उनके सारे अंगों को शिथिल कर दें और उनका सब धन आपस में बांट लें। अथर्वेद 6:67-3, छताकान सूक्त नंबर 67 मंत्र नंबर 3, दुष्ट की खाल उतार ले। ये अथर्वेद कांड 8वां कांड 8:3-4 तीसरा सूक्त और चौथा मंत्र। और ये मैं भावार्थ बता रहा हूं, ये एक शब्द का अर्थ नहीं कि इंसानों पर सबको। अब राक्षस खाली वो नहीं है कहीं बाहर के, कोई किसी और सृष्टि में के इंसानों में के, कि जितने मनुष्य हैं उनके ऊपर नजर रख और उनके बीच जो राक्षस हो उनके मस्तक और कंधों को तोड़ दे, उनकी पसलियों को कुचल दे और उनके दोनों जांघों और कटी भाग को चीर कर फेंक दे। अथर्वेद 8वां कांड 3रा सूक्त और 10वां मंत्र 8:3-10। मेरे लिए तो ये भी कुरान है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप माने चाहे ना माने, आप में से कोई, इसलिए कि ईश्वर की वाणी है, खुदा का कलाम है, मैं मान रहा हूं, बाकी और जितने लोग कोई मानते हो या ना मानते हो। और मैं ये समझ रहा हूं कि किन परिस्थितियों में क्या क्या बात कही गई है, लेकिन हम परिस्थितियों से काटने के बाद हम इसको लाए और प्रचार करना शुरू कर दें और हम कहें कि अशांति की शिक्षा दे रहा है वेद, हमें इसके ऊपर बैन लगा देना चाहिए, इस पे हमें मुकदमा करना चाहिए, इस पे हमें कानूनी पाबंदी लगाना चाहिए, तो प्रसंग से काट रहे हैं और सिर्फ नफरत फैला रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। इन्हीं परिस्थितियों में जिन परिस्थितियों में ये बातें कही गई, जबकि मैं सच कह रहा हूं इनमें से बहुत से मंत्र में यहां पर प्रसंग और परिस्थितियां नहीं है, लेकिन दूसरी जगहों पर बताया गया तो मैं परिस्थितियां समझ रहा हूं। तो बहुत से मंत्रों में परिस्थितियां भी नहीं दी गई कि कौन सी परिस्थितियों में ये काम करे। कुरान ने परिस्थितियों के सिद्धांत दिया कि युद्ध की जब युद्ध और शस्त्र उठाने का नौबत आ जाए, या आत्मरक्षा में, या जुल्म खत्म करने के लिए, अत्याचार खत्म करने के लिए, या संधि कहीं टूटी है, उस समय में अगर लड़ाई की जा रही है तो लड़ाई के अंदर कोई बैठा तो नहीं, अगर लड़ाई में कहा जाएगा कि मारो। लेकिन कुरान ने उसके अंदर फिर साथ में कुछ नैतिकता की बातें भी की जो अभी मैंने नहीं बताई, मैं बात को बताऊंगा, जो मुझे इन मंत्रों के साथ में इस जगह पर, बाकी तो वेद के अंदर अच्छी चीजें भरी पड़ी है मेरी, तभी तो आस्था है, लेकिन इन मंत्रों के साथ में वो नैतिकता की बातें नहीं, कुरान में उन जगहों पे नैतिकता की बातें भी हैं। यहाँ पर मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ये बात, और ये भी मैं तुलना इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसलिए वो अच्छा हो गया, ये मैं तुलना इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर तो वो नहीं थी तब आपको इसके ऊपर आपत्ति नहीं लगी, और वहां नैतिकता की बातें साथ में थी, जैसे 8:65 अभी सूरत नंबर 8 सूरह अनफाल और आयत नंबर 65 अभी उसका यहाँ पर अनुवाद पंडित जी ने रखा था, और उससे उसको पूरे प्रसंग के अंदर जो नहीं पढ़ा, 8:61 जो है उससे 3 आयतें पहले, तो पूरा एक प्रसंग चल रहा है और 3 आयतें पहले उसमें कहा गया कि
वही जनहू लिस्सल में फजना लहा। लेकिन अगर युद्ध के अंदर वो तुमसे अगर बात करे जंग रोकने की, सुलह की बात करें, फजना लहा, तो तुम भी झुकना सुलह की तरफ। वही युरीदु या प्रभु का, अगर तुम ये समझते हो कि इनका इरादा धोखेबाजी करने का, इस दबकर ये संधि कर रहे हैं, सुलह कर रहे हैं, वही नाहक अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा करना वो काफी हो जाएगा, लेकिन संधि से पीछे मत हटना वहां पर। लेकिन जब ये संधि की बात नहीं कर रहे हो और युद्ध थो भी दिया गया, तो फिर वो तुम्हें जहां पर भी युद्ध क्षेत्र में मिले उन्हें मारो। ऐ नबी, इनको समझाओ कि ये भागे नहीं, फिर फिरकर और लड़ाई करें। तो इस प्रसंग को समझने की आवश्यकता है कि ये मारकाट की शिक्षा नहीं है। ये वो जो आयतें बताई अभी, आयतों का तर्जुमा जो पंडित जी ने अभी आयतें पढ़ी थी, उसका अनुवाद ये था कि ईमान लाने वालों के इंटरेस्ट के, जो ईमान लाने वालों के सिवा मिंदुरिल मोमिनीन का अर्थ है, ईमान लाने वालों के इंटरेस्ट के खिलाफ। और ईमान लाने वालों का मतलब समझ लीजिए, वो नहीं जो मुसलमानों के घर पैदा हुए, बल्कि जो वाकई ईमान रखने वाले लोग हैं। तो वो ईमान लाने वालों के इंटरेस्ट के खिलाफ तुम जो लोग काफिर हैं उनसे दोस्तियां मत करना, इसलिए कि, और ये भी युद्ध से संबंधित बातें हैं। और उसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो रहनुमा उसूल हैं, उसके जो मूल सिद्धांत हैं, वो मैंने आपको पढ़ के सुना दिए कि इन आयतों को उसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा कि अल्लाह तुम्हें उनसे दोस्ती करने को मना नहीं कर रहा जिन्होंने तुमसे युद्ध नहीं किया, और जिन्होंने तुम्हारे दीन की वजह से तुमसे युद्ध नहीं किया, तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, अल्लाह तुम्हें उनसे दोस्ती करने को मना नहीं कर रहा, बल्कि मना उनसे कर रहा है दोस्ती करने को जिन्होंने तुम्हारे दीन की वजह से तुमसे युद्ध किया और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला। तो जब ये बात आ गई, तो अभी शायद पढ़ने का कोई अर्थ नहीं रहा बार बार इस आयत को पढ़ने का, कि कुरान ये कह रहा है कि ईमान लाने वालों के इंटरेस्ट के खिलाफ जो है उनके, तुम उनको छोड़कर, उनको त्याग कर तुम काफिरों से दोस्ती मत करना। कहा ये, अब इसको फिर मैं याद दिला रहा हूं, उन काफिरों से दोस्ती मत करना जिन्होंने तुम्हारे दीन की वजह से तुमसे झगड़ा किया है और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है, बाकी से नहीं कर रहा है मना। तो एक जगह सिद्धांत आ गया, उस सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ी जाएगी। कुरान को समझने का यही उसूल है। अगर आप समझे कि नहीं हम तो ऐसे नहीं समझेंगे, जिसकी जगह कोई आयत निकलेगी बस उसी को फाइनल मानेंगे हम, और कोई प्रसंग नहीं देखेंगे, उसका सिद्धांत भी नहीं देखेंगे, आपकी मर्जी, मत देखिए। आप कुरान को गलत समझते रहिए, लेकिन मैं समझा नहीं सकूंगा। फिर आप अगर मुझे समझाना है, तो मैंने आपको बताया कि अब जितनी भी आयतें ऐसी आएंगी उसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा उन तीन युद्ध की परिस्थितियों में। युद्ध की जब परिस्थिति आए, जो इन तीन में से, अगर इन तीन के ऊपर आपत्ति हो तो ठीक है, लेकिन अगर इन तीन पे नहीं हो, तो जब युद्ध होगा तो फिर तो ये किया जाएगा कि युद्ध क्षेत्र के अंदर पीठ फेर के मत भागना और लड़ना और मुकाबला करना, इसलिए कि फिर उसके बाद अधर्म आ जाएगा, वरना धर्म नहीं रहेगा। ये थी सारी बात, और ये मैंने कुछ वेद के मंत्रों के यहाँ पर हवाले दिए, और वो आयतें जो पढ़ी थी और दोस्ती रखने वाली की थी उसका उत्तर दिया। ऐसा लग रहा है कि ये तो आप महसूस करते ही हैं कि लोग ऐसा समझते, ऐसा क्यों हुआ होगा? कोई जो आपने वेद के धरण दिए, हालांकि हमारा जो विषय है वो कुरान शरीफ को लेकर, आपने तुलना की दृष्टि से कुछ उदाहरण दिए हैं, ठीक है अपनी दृष्टि से, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि ये चीज ऐसी केवल एक जगह की नहीं, आम तौर से हर एक व्यक्ति ऐसा मान रहा है। तो ऐसा जिसको कहते हैं ना जी, कोई बात वेद को लेकर के कभी तारिक साहब कोई, उसमें जो भी आप कह रहे थे कुछ अर्थों में फर्क हो सकता है, लेकिन किसी के जुबान से ऐसा आया नहीं, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। आपने भी बार बार फरमाया कि है, आप मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, मेरा मतलब आपने भी फरमाया कि भाई मैं इसको ठीक मानता हूँ, प्रसंगानुसार वो ठीक है, तो उसके उदाहरण देने का लाभ नहीं। आपका वक्तव्य ये है कि कुरान शरीफ को प्रसंग से पढ़ा जाए, लेकिन जो हम जाहिरा तौर पर देख रहे हैं, वो देख ही रहे हैं कि उसको इस रूप में पढ़ा नहीं जा रहा। का मतलब, मैं तो पढ़ता ही हूँ, मैं बड़ी सीधी बात कह रहा हूँ, मैं तो पढ़ता नहीं। जो व्यक्ति पढ़ रहा है वो उसका अर्थ ये क्यों नहीं कर रहा? जितनी सहृदयता से आप ये बात कह रहे हैं, वो उसका अर्थ क्यों नहीं कर रहा? इसका अर्थ ये है कहीं ना कहीं उसमें दोष है। टीचर स्कूल कॉलेज में अच्छी बात पढ़ाते हैं, कोई भी नहीं कहता गलती बात पढ़ो, कोई भी नहीं कहता मेरे ख्याल से कोई भी टीचर। लेकिन अगर किसी स्कूल में, कॉलेज में कोई चीज या कोई टीचर या वो एक जमात में वो पढ़ा रहा है, तो उसको शक की नज़र से, जैसे उदाहरण पुलिस,
पुलिस का उदाहरण मैं इसलिए देना चाह रहा हूं कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए सबको मालूम है, पुलिस का ध्येय वाक्य भी है। लेकिन क्या आप ऐसा महसूस करते हैं, आप पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए? मैं थोड़ा सा इसलिए, आमतौर से प्रत्येक व्यक्ति पुलिस से असुरक्षित महसूस करता है, तो क्या कारण है? इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में कोई ना कोई कमी है। मैं उसको जुबान से कह पाऊं न कह पाऊं, मेरे जीवन में तो कई पुलिस वाले ऐसे आए कि जो खुदा का वरदान की तरह, उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से मेरी रक्षा की। मेरे मन में उनका अच्छा स्वरूप है। लेकिन सवाल जमात का, यहां प्रश्न जमात का आ रहा है कि जमात में उसका जो स्वरूप है, मेरे मैं कितना भी अच्छा समझूं पुलिस को, बस मैं थोड़ा सा समय इसलिए बीच में लिया कि इस विषय को हम बहुत सहृदयता से और किसी पक्ष को गिराने की नजर से हम इस, सबसे बढ़िया बात तो मुझे ये लगी, सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आप बहुत बेहतर ढंग से प्रस्तुति कर रहे हैं, पंडित जी महाराज जी अपनी बहुत ढंग से प्रस्तुति कर रहे हैं। नतीजा जो भी हो, हमें एक संकल्प तो जरूर लेना है कि हमें आपस में बैठना है, ये संकल्प तो जरूर लेना। पंडित जी साहब देखिए, प्रधान जी बड़े यानी विद्वान तो होने के नाते बुद्धिमान तो होना जरूरी भी था। प्रधान जी ने भाई साहब की अकलमंदी की तारीफ की और मेरी भी, पर अपने लिए नहीं कह रहे। ऐसा है, मेरे भाई साहब ने जो वेद के संदर्भ में दुष्टों को मारो पीटो काटो की बातें हैं, ये पहले ही इन्होंने अपने वक्तव्य उसका स्पष्टीकरण दे चुके थे कि जहां पर आतंकवाद फैला रहा है, चाहे वो मुसलमान आतंकवादी हो चाहे वो नक्सलिस्ट आतंकवादी हो, अभी तो एक ट्रेन का ही अगवा कर लिया था, पर उन लोगों को मुसलमान नहीं कहा जा रहा है, तो यहाँ पर वेद का जो आदेश है, वेद को किसी जाति विशेष को मारने की बात नहीं है, दुष्टों को मारने की बात है, दुष्टों को दंड देने की बात है। अब दुष्ट चाहे कोई भी हो, दुष्ट चाहे कोई भी हो, यहाँ पर कोई संप्रदाय की बात नहीं आई है, लेकिन कुरान में तो केवल संप्रदाय के लिए ही कहा है, कुरान में संप्रदाय को छोड़ करके औरों के लिए दंड देने की बात नहीं है। वहां पर जब वेद में जहां तक मारो काटो लूटो पीटो की बातें हैं, वो परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृतां वाली बातें हैं, यानी अपगणन तो आरा वाना शब्द आया वेद में अंदर, यानी जो दुष्ट है तो उन दुष्टों को दंड देने की बात है, लेकिन कुरान में दुष्टों को दंड देने वाली बात तो नहीं है। वहां तो एक वर्ग विशेष का नाम लिया जा रहा है, जो गैर है, तुमसे जो अलग है, उन सबको मारो काटो लूटो पीटो। रही बात कि जिन लोगों ने वहां से निकाला, अगर जिन लोगों ने निकाला उनसे तुम नफरत रखो दोस्ती न रखो, तो नफरत दोस्ती किनसे न रखो कि जिन्होंने तुमको तुम्हारे घर से निकाला, पर आज तो वो परिस्थिति नहीं है, आज तो कोई अरब ममालिक से कोई सऊदी अरेबिया से किसी को नहीं निकाल रहा है, तो कम से कम आज भी तो ये आयत मनसूख कर लेना चाहिए था, इन आयतों को बदल देना चाहिए था, पर नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जहां तक धोखा देने वाली बात है, तो मानव मानव के साथ धोखा क्या दे, कुरान का अल्लाह तो स्वयं दो जगह धोखा दिया है, अल्लाह ने साफ कहा वह मकरू मा कर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि धोखा देते हो तुम, मकर करते हो तुम, मैं भी मकर करता हूं, मैं सबसे बड़ा मकर करने वाला हूं, मकर माने धोखा होता है। तो जब अल्लाह स्वयं बंदे के साथ धोखा करे तो भला बंदा को कौन बचाएगा? इसीलिए तो लोगों ने कहने के लिए भी लोग मजबूर हो गए कि बंदों को देख कर मुनकिर हुई है दुनिया कि ऐसे बंदे हैं जिस खुदा के वो खुदा कोई अच्छा खुदा न होगा। मेरे पानी है मेरे पास, तो मैंने ये निवेदन किया कि इनकी बातों से तो अपने आप ही बात कट रही है, लेकिन वेद में कोई ऐसा आक्षेप ये दिखाया जाए कि जहां पर मुसलमानों को, ईसाइयों को, जैनियों का, बौद्धिस्टों का, कोई संप्रदाय वालों का नाम लिया गया हो कि उनको मारो काटो, उनको मारो काटो नहीं, दुष्ट दुष्ट जो है, दुष्ट तो किसी कौम का क्यों ना हो, उन दुष्टों को दंड देना, ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था है और परमात्मा की विधि यही है।
वहां पर कोई जाति वर्ग विशेष का नाम नहीं है। रही बात कि कुरान के साथ वेद का तुलना करना, मैं पहले ही अपने वक्तव्य में इसका स्पष्टीकरण दे चुका हूं कि कुरान के साथ वेद का तुलना करना किसी भी हालात में संभव नहीं है, क्योंकि वेद जाति विशेष के लिए नहीं, वेद वर्ग विशेष के लिए नहीं, संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, विश्व के आंगन में शांति फैलाने के लिए ही, मानव मात्र के लिए अगर एक ही व्यवस्था हो जाए तो विश्व के अंदर में शांति का फैलाना, शांति का आना संभव होगा। लेकिन न्याय व्यवस्था यहाँ जाति विशेष के लिए अलग, वर्ग विशेष के लिए अलग, संप्रदाय विशेष के लिए अलग, और इस्लाम के मानने वाले कुरान के आधार पर ही दावा करते हैं कि हम सिविल को मानेंगे, क्रिमिनल को मानेंगे नहीं, तो अपने आप ही अशांति होना है। तो शांति के लिए प्रक्रिया कहाँ है? शांति के लिए वो रास्ता कहाँ है? शांति के लिए वो परिपाटी कहाँ है? बाकी कुरान में परस्पर विरोधी बातें हैं। यहाँ पर कुरान में स्वयं अल्लाह ने कहा वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह ताला पसंद नहीं करते जो फसाद फैलाते हैं। जब अल्लाह ताला पसंद नहीं करते हैं फसाद फैलाने वालों को, तो अल्लाह कह रहे हैं कि ला यत्तखिज़ुल मोमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, मुसलमान मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ दिल से और जुबान से, अगर दोस्ती रखते हो तुम काफिरों से, मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। तो ये सब परस्पर विरोधी बातें हो रही है ना, तो वेद में ये सब विरोधी बातों के लिए जरा सा भी गुंजाइश नहीं। यही कारण बना कि वेद में विज्ञान विरुद्ध बातों की कोई गुंजाइश नहीं है, और वेद से इतर जितने भी मजहबी ग्रंथ हैं सब जगह विज्ञान विरुद्ध बातों की गुंजाइश है, सृष्टि नियम के विरुद्ध बातों की गुंजाइश है सब जगह। यही कारण बना कि कुछ आयत कुरान का मक्का में है और कुछ मदीना में है, जबकि कुरान को अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है कि कुरान को एक रात में ही नाजिल किया गया। और ये तारिक मुर्तजा के साथ तो हमारे भाई साहब बैठे हैं, इनके साथ भी बात हुई, और जाकिर नाइक के साथ 2004 से मेरा निरंतर चल रहा है। जाकिर नाइक जो अपने को कंपैरेटिव स्टडी का जानकार मानते हैं, और 2004 से वो मौन है, बाकायदा मैंने उनको लिख करके दिया, और एक लेख यहाँ मेरे पास है भी जो जाकिर नाइक को मैं दिया हूँ, उसका उत्तर 2004 से लेकर के अब तक नहीं आया, और मैंने इनको कयामत से पहले पहले जवाब देने तक के लिए समय दिया, पता नहीं उतना दिन तक वो जीवित रहते या नहीं। तो इस प्रकार से जब दोनों को हम तुलना करेंगे, दोनों को जब देखेंगे तो दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, तो जब दोनों में आसमान जमीन का अंतर है फिर हम दोनों को लेकर के ये कैसे कहना हमारे लिए संभव होगा कि दोनों से ही शांति का आना संभव है? और जब दोनों को हम एक ही सिद्ध करने में तुले हुए हैं, दोनों को हम एक ही मानने में लगे हुए हैं कि वेद भी ईश्वरीय ज्ञान है और कुरान भी ईश्वरीय ज्ञान है, जबकि दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। तो जो बातें वेद में है वो वेद की बातों को कोई जाति विशेष के लिए नहीं, कोई वर्ग विशेष के लिए नहीं, कोई संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, वो मानव मात्र के लिए है, कोई जाति विशेष के लिए नहीं, कोई मुल्क वालों के लिए भी नहीं है। पर कुरान तो मुल्क वालों के लिए भी है, जाति विशेष के लिए वर्ग विशेष के लिए तो वो हिदायत है ही, अन्यों के लिए वहां गुंजाइश नहीं है। इसीलिए हमें ये समझना है कि जब हम दोनों कुतार को एक ही में लेकर के चल रहे हैं तो दोनों में मेल है नहीं, तो हम एक कैसे मान सकते हैं दोनों को? मेरा मूल प्रश्न यह है कि जब दोनों की मान्यता अलग है, दोनों की मान्यता अलग है, तो हम फिर दोनों को एक कैसे माने कैसे मानना कैसे संभव है? यहां पर मेरा मूल प्रश्न है। रही बात जो शांति की, तो जो दोनों में विरोधी बातें हो जाएंगी तो फिर शांति का होना संभव कैसे होगा? दोनों में शांति तो होना फिर संभव नहीं होगा। जब तो शांति अगर संभव है तो एक में ही होना, एक सही होना संभव है। आगे हमारे भाई साहब बोले, पंडित जी दोनों में जब विरोधी बातें होंगी तो दोनों में शांति नहीं होगी। बड़ी अजीब बात तो सारी थी, ये तो बात यहाँ जा रही है कि हम तो विरोधी दोनों में नहीं मानते, ये विषय नहीं है। मैं फिर बार बार ये बात कह देता हूँ, नहीं आपको ये आपत्ति नहीं करना, मैं कह रहा हूँ इस विषय पे भी कभी मैं करना चाहूंगा बात कि नहीं दोनों में विरोध नहीं है, अभी समय नहीं है, इसमें तो कई दिन लगेंगे, ये तो दोनों ने मैं हम मानते और नहीं है। तो जब हम मानते हैं दोनों में विरोध नहीं तो शांति तो सिर्फ हमारी तरफ से हो सकती है। आप मानते हैं दोनों में विरोध है और विरोध है तो शांति नहीं होगी, तो आप ये मान रहे हैं कि दोनों में शांति कभी नहीं होगी। हम तो दोनों को एक मानते हैं तो दोनों में शांति होगी और लानी पड़ेगी, नहीं ताली नहीं। तो अब खैर ये देखिए, ये जो यहाँ पर बार बार ये कहा हमारे
हमारे यहाँ पर पंडित जी ने कहा, पंडित जी महोदय ने यहाँ पर बार बार ये कहा कि कुरान एक वर्ग विशेष की बात करता है, वेद तो खाली दुष्टों को कह रहा है। बात यह है कि जो अल्लाह को अब कह दे कुरान का अल्लाह, बड़ी अजीब बात है। बच्चा बंचा हम तो छोटे छोटे गांव के जो साइकिल का पंचर जोड़ते हैं उनसे बात करते हैं कि अल्लाह ईश्वर अलग है, कहते नहीं एक है, कहते कुरान का अल्लाह अलग, कुरान का अल्लाह तो ये करता है। तो बात यह है कि ईश्वर चाहे तुमने गलत समझ लिया हो, आप अगर अल्लाह कह रहे हैं चाहे जिन शब्दों के अंदर बात करें उसी को कह रहे हैं तो उसका नाम तो, अगर आप मुझे कोई मैसेज कह रहा हूं आपसे मुझे उस पर गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन आदर इसी लीजिए और ये कह लीजिए कि तुमने गलत समझा उसे, लेकिन उसका इसलिए कि वही ईश्वर है और आपके मुंह से क्यों उसका अनादर हो जाता है। यहां पर मैं खुद नहीं कह रहा, किसे कहा उन्होंने, मदन जैसे इस्लाम को नहीं मान ले काफिर कहा, तो जो कुरान की बात नहीं मान रहा उसे दुष्ट कहा। ये वर्ग विशेष नहीं हुआ, ये समुदाय नहीं हुआ। यहाँ स्वामी दयानंद जी ने ही लिखा है, मैं उनका अनुवाद लेकर आया हूं, उन्होंने खुद ब्रैकेट लगाकर ये लिखा है कि तू वेद निंदक को, अब दुष्ट किसे कह रहे हैं, वेद निंदक को, जो वेद को नहीं मान रहा, जो वेद की निंदा कर रहा है। तो अब जितने यहाँ पर वो लोग हैं जो अपने आप को हिंदू या सनातन धर्मी नहीं कहते और बहुत से उनमें से भी जो हिंदू हैं वो वेद निंदक हैं या वेद को नहीं मानते, तो फिर उनके अलावा बाकी सबको कह रहा है। ये स्वामी दयानंद ने लिखा है यहाँ पर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं कि तू वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। ये वेद का इसका मंत्र है, बात इसका ये 12वां कांड है अथर्ववेद का, 5वां सूक्त है और ये मंत्र था 62। और मैं सच कह रहा हूं आपसे, ये भी मैं इतराज के लिए नहीं कह रहा, आपत्ति के लिए, लेकिन एक अहमक से देखिए चीजों को, जो हमारे पास है जिसे आप समझ रहे हैं कि ये आस्था से ये ईश्वरीय ग्रंथ है, इसमें तो आपको ये लगने लगी ये अपने अलावा दूसरों को मारने की बात हो रही है, और जिसे आप ये मानते हैं कि ये खुदा का कलाम नहीं, इसमें आपको लग रहा है कि दूसरों के अलावा जो है वो बाकी वो समुदाय हो गया, कुरान समुदाय को कह रहा है, दुष्टों को कहा जा रहा है, ये भी दुष्ट की बात हुई जी। ये अनुवाद लेके ये लिखा है, तीसरी बार आई है कि जिसे हमारे पंडित जी महोदय ने दोहराया, शायद शाम तक ये दोहराई जाती रहेगी, और मैं एक ही स्पष्टीकरण देता रहूंगा, मैं स्पष्टीकरण बार बार वही एक देता रहूंगा कि कुरान तो ये कह रहा है कि दोस्ती मत करो, समुदाय की बात कर रहा है, दोस्ती उनके कुरान उनसे दोस्ती मत करो, ईमान लाने वालों के इंटरेस्ट के खिलाफ उन्हें छोड़कर तुम दूसरों से दोस्ती मत करो। और मैं बार बार शाम तक इसका उत्तर यही देता रहूंगा कि मैं सिद्धांत बता चुका, आयतें बता चुका, उसके अंतर्गत पढ़ना होगा उसको, और अगर आपको ये सिद्धांत नहीं मालूम तो उसे समझिए किसी कुरान के जानकार से। दावा क्यों करते हैं कि नहीं हम उसके अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे और यहीं से मानेंगे, तो कुरान उसके अंतर्गत पढ़ना होगा कि कुरान ये कह रहा है कि जितनी दोस्ती नहीं करने की बातें हैं उससे संबंधित जितनी आयतें हैं उनको सब उस संदर्भ में है कि तुम्हें जिन लोगों ने तुम्हारे घरों से नहीं निकाला और दीन की वजह से तुमसे लड़ने के लिए नहीं आए उनसे दोस्ती करने को मना नहीं किया जा रहा। अब किसी जगह मुख्तसर संक्षेप में कहकर निकल गए और ये एंड में कह दिया कि जितनी बातें हैं ये उस संदर्भ ये उसूल और सिद्धांत जिसको बार बार उसका आप उदाहरण देंगे, मैं बार बार ये जवाब दूंगा, बार बार आप युद्ध संबंधी आयतें कुछ बताएंगे, मैं बार बार ये उत्तर दूंगा कि युद्ध तीन परिस्थितियों में है, उसके अलावा परिस्थितियां कोई है ही नहीं, मैं कुरान की आयतें आपको बता चुका और उन परिस्थितियों में भी कोड ऑफ कंडक्ट और ज़ाब्ते अख़लाक़ भी है उसके। अब एक बात जो है वो अध्यक्ष महोदय ने बड़ी अच्छी कही थी, मैं उसके मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूँ, और बड़े अच्छे अंदाज में कही थी, बहुत प्यारे अंदाज में ये कहा था, फिर ऐसे लोग क्यों हैं, अगर आप कह रहे हैं कि कुरान शांति की बात कर रहा है फिर बहुत से लोग मुसलमानों में क्यों नजर आते हैं कि जो जिनको देख कर ये शुभा हो कि नहीं कुरान अशांति की बात नहीं करता। बात यह है कि मुसलमान अब के घर के मुसलमानों के अंदर कुरान तो कह रहा है शराब मत पियो, करोड़ों मुसलमान शराब पीते हैं, लाखों मुसलमान शराब पीते हैं, कुरान तो कह रहा है जुआ मत खेलो, न मालूम कितने जुआ खेल रहे हैं, फिर कुरान ही शांति की भी बात कर रहा है, कितने ही मुसलमान उसमें से अशांति की बात निकाल रहे हैं, मुसलमान निकाल रहे हैं उसके अंदर से। तो बात तो ये है कि क्यों कर रहे हैं, बुरी बात है, ये दुख का विषय है कि कुरान घरों के अंदर मौजूद है, अर्थ नहीं जानते उसका, फिर अर्थ नहीं जानते तो कुछ अर्थ बताने वाले जो है वो अपने हिसाब से अर्थ बता जाते हैं और उसे मान लेते हैं बजाय इसके कि उसको ठीक से समझे, क्योंकि अर्थ नहीं समझते। और ये दुखद विषय तो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों से ज्यादा है, आर्य समाज कितने हैं जो वेद की बात कर रहे हैं, सारे हिंदुओं के अंदर आने का 5% नहीं है हिंदुओं के, तो अब अगर जिन्होंने वेद को ठीक से लोगों में रखना चाहे उनकी संख्या 5% में नहीं है, बाकी सारे वो लोग कर रहे हैं जो वेद विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, अब मैं वेद को परखना शुरू कर दूं उन लोगों को देख के, तो ये तो दुख का वाकई विषय है कि एक बहुत बड़ी संख्या हिंदुओं की
वो सही रास्ते के ऊपर नहीं है, एक बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों की सही रास्ते में नहीं है, इसलिए कि वो उस मूल से कटे हुए जिसे कुरान कहते हैं, इसलिए कि वो इस मूल से कटे हुए जिसे वेद कहते हैं। तो ये तो दुखद स्थिति है, वाकई अफसोस की बात है कि दोनों जगह पर है। लेकिन युद्ध की बाकी आयतों की अब जितने हवाले आएंगे, मैं बार बार कहूंगा कि युद्ध की परिस्थितियों में है, और उसके बाद फिर कुरान ये कह रहा है फैनिनतो फलाउदवान अलजालमीन, वो बात आ जाए तो झगड़ा मत करना। ज्यादती सिर्फ उस वक्त तक की थी जब फितना फैलाने से बात आ जाए, लड़ाई सिर्फ उस वक्त तक की थी। अगर तो ये फिर उसके बाद पैगंबर मोहम्मद साहब ने इसका और स्पष्टीकरण अपनी भाषा में दिया कि युद्ध क्षेत्र के अंदर, ये उन्होंने फिर कोड ऑफ कंडक्ट दिया कि युद्ध क्षेत्र के अंदर अगर लड़ाई हो रही हो तो पुरुषों तो महिलाओं को मत मारना, बच्चों पर हाथ मत उठाना, मजदूरों पर हाथ मत उठाना, फलों के वृक्ष उनको मत काटना, कहीं आग मत लगाना। इतनी बातें उन्होंने लोगों को बताई, और कहीं कि अगर युद्ध आ ही हो ही जाए और जरूरी हथियार उठाना, फिर समझ ले उन परिस्थितियों में जो मैंने बताई। अब अगर होता है, मान लीजिए कि औरतों को कहा कि महिलाओं पे हाथ मत उठाना, तो महिलाएं क्या कर रही थी, युद्ध क्षेत्र के अंदर थी क्यों? अगर कोई थी और ये कहा गया कि उन पर हाथ मत उठाना, तो किसी ना किसी वजह से शत्रु की मदद की सहायता की वजह से थी। मजदूर क्या कर रहे थे वहां पर, कहा मजदूर पर हाथ मत उठाना, मजदूर किसी ना किसी कारण से उसकी सहायता के लिए थे शत्रु के, तो वो डायरेक्ट अगर सीधे जो लड़ नहीं रहे थे उसकी सहायता के लिए, तो कुरान ने तो कहा कि उनके ऊपर भी हाथ मत उठाना और इनके ऊपर हाथ। तो वो धर्म या वो जो ये बातें कहता है कि जब युद्ध हो जाए, शुरू हो जाए, तब भी उसमें अगर महिलाएं नजर आए जो उनकी सहायता के लिए आई तो हाथ मत उठाना, मजदूर नजर आए तो हाथ मत उठाना, फलों के वृक्ष को मत काटना, आग मत लगाना, वो धर्म ये कहेगा किसी जगह बम फेंक देना बहुत से लोग मर जाए उसके अंदर? ये निंदनीय है, ये आतंकवाद है, ये फिर इस्लाम नहीं है। और फिर उसे देखने के बाद लोगों को गलतफहमी होती है कि जहां पर लिखा कि इन्हें मार डालो, इसे नहीं देख रहे कि किन परिस्थितियों की लड़ाई की बात हो रही है। आप बार बार बहुत सी आयतें और दे देंगे, आप जितनी देंगे उससे चार पांच मैं और बढ़ा दूंगा कि ये भी है युद्ध की परिस्थितियों की आयतें इसके अंदर। तो ये वही है, मैंने इसलिए वेद की बात रखी। आपने कहा बार बार कि इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, ये समान बातें नहीं है, ये फिर विषय नहीं है। और मैं करना चाहूंगा इसे, मैं ये कह रहा हूं, मैं इसे करना चाहूंगा, इससे हम कभी बैठना चाहेंगे कि जहां मैं कहना चाहूंगा कि नहीं समान बातें हैं। एक छोटी सी पुस्तिका मैं लाया हूं यहां पर कुछ लोगों को, जिसको मैं दे दूंगा, जिसके अंदर समान मंत्र है, समान अर्थों वाले कुछ कुरान के, कुछ वो थोड़े से वो खाली सैंपल है, शांति पैगाम उसका नाम है। तो मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि ये वो तो खाली कुछ है, जो मूल आस्थाएं और मूल मान्यताएं वो हम करना चाहेंगे कि एकेश्वरवाद की बात जो है वो वेद भी करता है और कुरान करता है, नहीं करता है, ये मूल बातें हैं। मरने के बाद क्या होगा इसमें बहुत बड़ा अंतर लोगों के समझने में है, लेकिन कुरान क्या कह रहा है, वेद क्या कह रहे हैं, इस पर मैं करना चाहूंगा कभी बात, और मैं चाहूंगा कि फिर बैठे हम कभी। और इष्टुतत रिसालत जिसे इस्लाम कहता है, ये उसका मूल सिद्धांत है। तो ये अगर ईश्वर की वाणी यहां पर कैसे आई, कहीं आसमान से तो नहीं टपक गई, वेद वहां से ऊपर से कहीं से नहीं गिरे, लोगों को मानवता तो मानव से मिला, ईश्वर खुद नहीं आया, उसे अवतार कहते हैं, कैसे मिला मानव को, कोई मानव साधन बना होगा, उसे रसूल कहते हैं इस्लाम की भाषा में। आप उसे ये कह दिए कि ऋषियों के अंतःकरण पर वाणी का अवतरण हुआ, उसी को इस्लाम में रसूल कहते हैं। आप चाहे जो सी भाषा प्रयोग कर लीजिए, ये वेद रसूलों को या इष्टुतत्व को मानता है। कभी बैठेंगे इस पर बात करेंगे, आप अभी मत मानिए, आप कहते रहिए अलग अलग है, लेकिन चूंकि मैं मानता हूँ, चूंकि कुरान इधर रेफर करते हैं, और चूंकि आप ये बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं ये अशांति की बात कर रहा है और वेद तो खाली समुदाय, इसलिए मैंने कहा कि आप ये अनुवाद भी देखिए कि स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि जो वेद निंदक है वो उन्होंने उसकी वो की है व्याख्या की है, कह नहीं रहे व्याख्या की है कि तू वेद निंदक को ये आर्य समाज बात के काट डाल चीर डाल भस्म कर दे और जला दे। और भी है आगे, मैंने नहीं पढ़ा उसके आगे वाला जो है, मैंने पढ़ा नहीं। और मैं फिर आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, जहां जो मुसलमान है उनसे भी कह रहा हूँ, इसमें गलत फहमी नहीं हो आपको, युद्ध की परिस्थिति से संबंधित कुछ बात है, किसी खास उसके अंदर है कि जहां पर तो ज्यादा सख्ती की जरूरत होगी, लेकिन अगर कोई बात कही गई है तो उसके ऊपर उसकी वजह से हमें नफरत नहीं करनी है कि जो वेद निंदक तो फिर उसके अलावा हिंदुओं के अंदर भी और आर्य समाजों के अलावा बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी वेद निंदक, वो भी समुदाय बन जाएगा अपने आप पे, जैसे काफिर कह दिया कि मुसलमानों के अलावा बाकी काफिर, ऐसी भी यहाँ पे वेद निंदक हो गए सारे, उनके अलावा जो वेदों में आस्था रखने वाले, एक ही स्रोत है। वही बात हम उसी ऐने को उसी चश्मे से देखें कि अगर यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि अशांति फैलाती, तो फिर उसे ही मत कहिए कि अशांति फैलाते, उसे समझिए कि उस परिस्थिति में जिसमें श्री कृष्ण ने कहा था कि अब तुम्हें अपने भाइयों से युद्ध करना होगा, नहीं हटोगे, हटोगे तो अधर्म हो जाएगा, इस वक्त लड़ना होगा। तो ये परिस्थितियां होती हैं युद्ध की जिसके अंदर कहा जाता है, और बाकी में प्यार मोहब्बत की शिक्षा होती है। हम ना कुरान के विषय में, पाक कुरान के विषय में कोई असमंजस रखे ना वेद के विषय में, पहली बात तो अथर्ववेद भाष्य ऋषि दयानंद ने नहीं किया है, और इस परंपरा में जो भाष्य है जो आपने हमें प्रस्तुत किया है उसमें स्पष्ट जो भावार्थ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा,
धर्मात्मा लोग अधर्मियों के नाश करने में सदा उद्यत रहें, इतना भाव है। और वेद का अर्थ कहीं भी केवल पुस्तक मात्र नहीं है। माननीय तारिक साहब, मैं निवेदन करना चाहूंगा, वेद का अर्थ पुस्तक नहीं है। विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद लाभे, विद सत्तायाम, चार अर्थ में है। थोड़ा आम अपने साथियों के लिए भी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वेद का अर्थ जो ज्ञान विचार पूर्वक तर्क पूर्वक प्राप्त किया जाए, सबके लाभ के लिए हो और प्रत्येक काल में जिसकी सत्ता हो वह वेद है। न तो किसी समय से पहले या समय से बाद में बाधित हो जाता हो वो वेद नहीं है। उस अर्थ में वेद निंदक शब्द लिया गया है। ज्ञान विरोधी जो लोग हैं, सही मार्ग के विरोधी जो लोग हैं, तो वेद में, वेद के विषय में भी आपके अंदर ये कहीं भ्रम ना जाए कि वही भावना है, जैसा कि ये बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैंने निवेदन करना चाहा, वेद की भावना, वेद निंदक का मतलब ज्ञान विरोधी। देखिए, अब है मुझे समय चल रहा है उसमें शांति को लेकर के जरूरत है। और नहीं, कोई बात नहीं, आवाज से कोई खराब नहीं, आप बहुत मोहब्बत से बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, मेरा जो प्रश्न था उसको आपने कहा अंदाज में कहा, जैसे हमारे मस्तिष्क में पुलिस की एक छवि बनी हुई, हमारे मस्तिष्क में डॉक्टर के प्रति ये छवि क्यों नहीं बनी कि डॉक्टर मारता है, जबकि हकीकत में आप कभी अखबारों की न्यूज़पेपर देखेंगे तो कई बार आपको लगेगा किडनी बेच खाए चलाना काट। क्या डॉक्टर ऐसे नहीं होते? होते कम वक्त, मैं तो किडनी नहीं निकाल सकता, डॉक्टर अमित ने निकाली, लेकिन फिर भी डॉक्टर के प्रति ये भावना क्यों नहीं आई कि ये जो है गंदा है ना? डॉक्टर के प्रति क्यों नहीं आई, पुलिस के प्रति रहती है। मेरा निवेदन केवल इतना है, मैं अपनी बात को बहुत दूसरे अंदाज से कह रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसी भावना क्यों बनी, केवल उतने पर हमको सीमित रहना था। अब मैं माननीय पंडित जी से निवेदन करूंगा कि वो फिर मैं निवेदन करूंगा कि बात हम लोगों की जो शांति को लेकर के चली थी, अब शांति से हट करके इल्हामी किताब में आ गए। अब इल्हामी किताब कुरान है या वेद, उसको सिद्ध करना बड़ा जरूरी हो गया। एक मिनट में सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। वो तो ऐसा है ना, ये तारिक साहब भी कह रहे हैं, तो मेरा कहना इसलिए जरूरी है, इसलिए सुनिए फिर ध्यान से। मैं अपने समय में ही बोलूंगा और समय से कभी बोलता हूँ। बाकी ये है जब मैं जिस दिन बिहार में तो प्रश्न करूंगा उस दिन पूछूंगा, आप कितना कम, मैं कितना कम बोलता हूँ और आप कितना आप सब समय में, समय की परिधि में चल रहे हैं। और तो यही नहीं, मैं तो कयामत तक का समय दिया हूँ। मेरे प्रश्न एक एक लाइन, एक टायर पंचर, जो टायर पंचर करता है, ये बनाता है, सही करता है, वो भी कहता है ईश और अल्लाह दोनों एक है। लेकिन मैं आप लोगों को ये विश्वास दिला दूं कि वेद का ईश्वर और कुरान का अल्लाह दोनों एक नहीं है। आप कहेंगे कैसा, आज उसका प्रमाण लीजिए कि ईश्वर और अल्लाह में उतना ही भेद है जितना कि हम जमीन से लेकर आसमान तक देखते रहे, जबकि आसमान शब्द का अर्थ नहीं है, इन लोगों के पास नहीं है, ये तो एक दो तीन चार पांच छह सात करके बना दिया है। पर आसमान शब्द का अर्थ होता है खुला, खाली जगह। पर मैं निवेदन कर रहा हूं कि उस खाली जगह को जितना हम जमीन से देख रहे हैं इतना ही अंतर है अल्लाह और ईश्वर में, क्योंकि हमारे यहां पर परमात्मा जो वेद का परमात्मा है वो बनाता नहीं है, लेकिन कुरान बनाता है। कुरान कहता है कुन हो जा, फयकुन बस हो जाता है। उदाहरण के रूप में कुरान के अंदर में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, वही तो कालतिल मलाइकति या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकि बिकलिमतिन मिन हुस्मुहुल मसीह ईसा इब्नु मरियम वजीहा फिद दुनिया वल आखिरति मिनल मुकर्रबीन وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ। कुरान के अंदर में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि मरियम नाम की एक महिला कुआं में पानी भरने के लिए गई, उसने एक परछाई को देखी। ये किस्सा बाइबल में भी आया है। तो परछाई को देख करके वो डर गई, घबरा करके पीछे की तरफ हटने लगी। अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल ने कहा है, मरियम घबराने की कोई बात नहीं, मैं एक खबर देने के लिए आया हूँ, तेरा पेट में एक बच्चा होने वाला है। तो मरियम कहने लगी, क्वालत रब्बी अन्ना यकुनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर, कि मैं कुंवारी हूँ, कोई पुरुष मेरे शरीर में हाथ तक नहीं लगाया, मेरे पेट में बच्चा, ये तो नामुमकिन बात है।
तो अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल ने कहा अल्लाह के पास तो नामुमकिन नाम का कोई शब्द नहीं है, वो एक बार कह देते हो जा बस हो जाता है। अब उसका होने का कारण जब मक्का के काफिरों ने हजरत मोहम्मद साहब से पूछा कि बिना बाप का पैदा कैसा हुआ, तो फिर अल्लाह की तरफ मुखातिब हुए, तो फिर जिब्राइल ने सुना दिया इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलकहु मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहु कुन फयकुन। अरे छोड़ो ईसा को, देखो आदम को तो मैं बिना माँ और बिना बाप का बनाया, जब मैं बिना माँ और बिना बाप का बना सकता हूँ तो मरियम को मरियम के पेट से बिना बाप का ईसा का बनाना कोई असंभव है क्या? मैं तो एक बार कह देता हूँ हो जा बस हो जाता है। तो जब फिर पूछा गया कि मरियम गर्भवती कैसे हुई, तो अल्लाह ने फिर कहा वही नहीं, अल्लाह ने क्या कहा फुरुजहा अल्लाह ने मरियम के गुप्त इंद्रिय में फूंक मार दिया और मरियम गर्भवती हुई, फुरुजा शब्द आया वहां पर। लेकिन वेद का परमात्मा ये काम नहीं कर सकता, वेद का परमात्मा कहता है कि यह सृष्टि नियम विरुद्ध विज्ञान विरुद्ध, एक कुमारी महिला के पेट से संतान उत्पत्ति होना यह वेद के परमात्मा की बस की बात नहीं है। तो कुरान का अल्लाह और वेद का परमात्मा एक हुआ क्या? ऐसा एक नहीं, ऐसा हजारों प्रमाण है। तो कुरान का अल्लाह महदूद एक शख्स है, एक व्यक्ति विशेष का नाम है जो अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है वल्लती अहसनत फरजहा फरफकना फीहा मिन रूहिना वजअलना अबनाहा आयतल आलमीन। कहा ये, बाकी जब अल्लाह के लिए कहा गया है कि अल्लाह क्या है तो कुरान ही गवाह है इसका। अर रहमान अर्श इस्तवा, के अल्लाह अर्श पर रहता है, अर्श कहा है सातवां आसमान पर, सातवां आसमान पर अल्लाह ताला बैठते हैं। और कयामत के दिन जब सातवां आसमान से अल्लाह ताला नीचे उतरने लगेंगे तो अल्लाह ताला को जिस सिंहासन पर बैठ करके अल्लाह उतरेंगे उस सिंहासन को आठ फरिश्ते रोके रहेंगे। वल्लाह की अहसनत नहीं, वहां क्या शब्द है रोके रहेंगे। किसको फरिश्ते रोके रहेंगे? उस तख्त को। किस तख्त को? जिस तख्त पर अल्लाह बैठेंगे। अब तख्त पर बैठने वाला शरीरधारी होगा या निराकार होगा? तो कुरान का अल्लाह तो शरीरधारी है, मुजस्सिम है, और वेद का परमात्मा मुजस्सिम नहीं है, शरीरधारी नहीं है। इसीलिए अछुक्रम अकायम शब्द आया है वेद के अंदर में कि परमात्मा का कोई काया नहीं है। वो बाबा तुलसी ने भी कहा इस बात को, बिन पग चले सुने बिनु काना, वो बिना पैर का चलने वाला है। लेकिन कुरान में अल्लाह ने तो साफ कहा है कि जब अल्लाह ताला सातवां आसमान से नीचे को उतरने लगेंगे, वहां पर सूरह बकरा से ही शुरू हुआ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي عَالِمٌ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ। اللہ تعالی سبھی فرشتوں کو بلا کر کہنے لگے کہ میں ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، ایک پرتنیدھی بنانا چاہتا ہوں۔ सभी फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह हम तो आपकी इबादत करते हैं, आप प्रतिनिधि क्यों बनाना चाहते? अल्लाह ने कहा मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते, तो मिट्टी ले आओ। सबने मना किया, लेकिन वो मिट्टी ले आया जिसका नाम आज इस्लाम वाले शैतान कह रहे हैं, या हज करते समय जाते तो पत्थर मारते, पर मारते मारा जाता या नहीं जाता वो बात अलग है। और ये कुरानी और पुरानी दोनों में मामला ये है, ये प्रत्येक वर्ष पत्थर मारते हैं शैतान को, और हमारे हिंदू घराने के लोग भी रावण जलाते हैं, अगले वर्ष भी रावण तैयार हो जाता है और वहां भी अगले वर्ष शैतान तैयार हो जाता है। तो उसे शैतान कहा जाता है, लाइन कहा जाता है, मर्दूद कहा जाता है। तो वो मिट्टी ले आया, मिट्टी लाने के बाद अल्लाह ने पुतला बनाया। तो पुतला बनाने के लिए अल्लाह को हाथ चाहिए या नहीं चाहिए? पर पुतला बनाया, अल्लाह ने उसके अंदर में रूह डाल दिया और सबको सीधा करने के लिए कहा, सबने सीधा किया लेकिन उसने सीधा नहीं की। किसने? जो मिट्टी लाया था, उसने कहा मैं क्यों सीधा करूं, मैं बड़ा हूं, मेरे लाए हुए मिट्टी से इसको बनाया गया, मैं क्यों सीधा करूं? तो बोले फिर अगर सीधा नहीं करते तो निकल जाओ यहां से, वितरित हो जाओ। तो बोले मैं निकल तो जाऊंगा लेकिन हमारी मजदूरी दो। तो अल्लाह ने कहा قال ما منعك الا تسجد لما خلقتني بيدي استكبرت ام كنت من العالمين। तुझे क्यों कर इंकार हुआ, तुझे किसने मना किया इसको सीधा करने से, जिसको बनाया मैंने अपने दोनों हाथों से। वहां पर بيدي शब्द आया, यदुन के माने हाथ, जिसको मैंने अपने बनाया दोनों हाथों से। ويحمل عرش ربك فوق अब वो आयत याद आ गया, ويحمل عرش ربك فوق هم يومئذ ثمانيه शब्द आया है कि अल्लाह ताला कयामत के दिन सातवां आसमान से जब नीचे की ओर उतरने लगेंगे तो आठ फरिश्ते अल्लाह को रोके रहेंगे। तो बिना शरीर वाला अल्लाह कैसे बैठेगा भला उस तख्त पर? इसलिए कुरान का अल्लाह तो शरीरधारी है, कुरान से ही मैं प्रमाण दे रहा हूं। लेकिन वेद से ऐसा कोई प्रमाण मुझे नहीं मिला कि वेद का परमात्मा कहीं शरीरधारी हो।
वहां पर अक्षुक्रम अकायम शब्द है और अनेक शब्द से परमात्मा को संबोधित किया गया है। तो परमात्मा का काया नहीं है, परमात्मा शरीरधारी नहीं है। इसीलिए इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जिस उलझन में हम उलझे हुए हैं वो उलझन तो यहीं पर ही अटक रही है बात, कि हम इसका निष्कर्ष तक जब तक नहीं पहुंचेंगे कि अल्लाह कौन है और परमात्मा कौन है और परमात्मा की वाणी कौन है और अल्लाह का कलाम क्या है, जब उस निष्कर्ष तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक ये हम लोगों के लिए निर्णय लेना भी संभव नहीं होगा कि सही कौन है और गलत कौन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दे रहा हूं। ये हमारा आज का विषय था, क्या इस्लाम शांति ही सिखाता है। बात जो अब यहां आकर के प्रसंगांतर हो रही है कि क्या वेद और इस्लाम या कुरान शरीफ एक ही व्यक्ति शब्द तो मैं नहीं कहूंगा, एक ही की रचना है, एक ही का इल्हाम है, तो ये प्रसंगांतर हो रही है। मैं समझता हूं कि अब इस चर्चा को यहां विराम देते हुए आप दोनों दो दो मिनट पांच पांच मिनट के लिए कुछ शांति पर इस प्रकार की चर्चा रखें। मैं दो तीन मिनट पहले कुछ कहना चाहूंगा। परमात्मा की रचना में और मनुष्य की रचना में क्या अंतर है? आप पेड़ के पत्ते को देखते हैं, मनुष्य के शरीर का निर्माण देखते हैं, छोटा सा बालक होता है उस पर खाल, वो जब बड़ा हो जाता है 6 फुट का 7 फुट का जवान हो जाता है वही खाल काम करती है, खाल नहीं करती। पेड़ का पत्ता अंदर से बढ़ता है, उसके ऊपर कोई चीज थोपी या ऊपर से रखी नहीं जाती, मकान में ईंट लगाते हैं, ये मनुष्य की रचना प्रतीत होती। कैसे पता लगे? मैं चाहूं जिसको मनुष्य की रचना मान लूं, मैं चाहूं जिसको भगवान की या अल्लाह की रचना मान लूं, ऐसा नहीं, अंतर है। मनुष्य की रचना में ऊपर से चीज थोपी जाएगी, अल्लाह की या भगवान की रचना में वो चीज अंदर से आएगी। ये प्रसंग यहां आकर के अटकेगा कि अल्लाह का वर्णन जैसा किया जा रहा है शरीरधारी है तख्त पर है, तो हम प्रसंगांतर घूम जाएंगे। मैं प्रसंगांतर नहीं जाऊंगा और प्रसंग को आज यहाँ विराम देते हुए एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, जो भी मैंने कही है, मैंने एक दृष्टांत जरूर दिया है पुलिस का और डॉक्टर का, उस पर हम ध्यान रखेंगे। दूसरी एक शब्द पर और विशेष ध्यान दूंगा, धर्म और संप्रदाय पर। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन करके कि कुरान शरीफ संप्रदाय को नहीं मानता, वो दीन को मानता है, धर्म को मानता है। स्वामी दयानंद का एक वाक्य मुझे स्मरण आता है, मैं आपकी सेवा में निवेदन करता हूं। स्वामी जी से पूछा कि आप सबका खंडन करते आते हो, आप इनसे विशेष क्या बतलाते हो? स्वामी जी ने कहा कि मैं प्रश्न करता हूं आपसे, आप बताएं कि धर्म सबका एक होता है वाणी, धर्म सबका एक होता है वाणी, ये धर्म है ये एक होता है या अनेक, ये अनेक है ये एक, तो ये कहते अनेक, अनेक होता है तो एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं व अविरुद्ध, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं या सिमिलर होते हैं, तो अगर विरुद्ध होते हैं तो दोनों धर्म नहीं हो सकते, और अगर अविरुद्ध हैं तो पृथक पृथक होना व्यर्थ है, बेकार है, अलग अलग क्यों बना रखी है भाई आपने? तो इसलिए स्वामी दयानंद ने कहा धर्म सबका एक ही होता है, यही हम विशेष कहते हैं। बात समझ रहे थे कि धर्म सबका एक ही होता है, यही हम विशेष कहते हैं। हम अगर आज ये स्थापित करते हैं कि धर्म तो एक ही होगा, जो लोग ऐसा कहते हैं ऐसा मान लो, कोई कहता है ऐसा मान लो, ऐसा नहीं, मैंने कहा चोर भी सही, डाकू भी सही, लुटेरा भी सही, ऐसा नहीं, ये नहीं, हां धर्म एक होगा। उसको सेटल करने के लिए वो क्या चीज है, स्वामी दयानंद ने बहुत सुंदर एक बात कही थी कि धर्म वो जिसका कोई विरोध ना कर सके। अगर कोई बात ऐसी आएगी जिसका कोई भी व्यक्ति समाज में खड़ा होकर विरोध कर सकेगा, हम उसको प्राइमा फेसिया ये मान लेंगे कि ये धर्म नहीं, और उस पर एक बैन लगा। बंधु बहुत अच्छी चर्चा यहां चली है, मैं इस वक्तव्य को इस
चर्चा को इस गोष्ठी को विराम देने से पूर्व दोनों वक्ताओं से निवेदन करूंगा कि अपने अपने समापन के रूप में एक शांति और आगे ये चर्चा स्वस्थ परंपरा से जितनी शांति से आज यहाँ चली है इतनी शांति से न केवल यहाँ बल्कि स्थान स्थान पर ये चले और आप में जिज्ञासा पैदा हो, आप में ये जज्बा पैदा हो कि हम इस चर्चा को सुने और शांति से धैर्य से दोनों विद्वानों की बातों को दोनों पक्षों की बातों को और केवल यहाँ इस चर्चा को इस रूप में नहीं किए कुरान शरीफ के हम कहते हैं अगर बाइबल के संबंध में भी है या कुरान के संबंध में भी है तो हमें उस चर्चा को सुनना चाहिए और हमें कुछ ऐसे पक्ष समझने चाहिए, हमें ऐसे कुछ पैरामीटर्स दिमाग में रखा कि मेरा बहुत लंबा स्वाध्याय तो नहीं लेकिन फुटकर फर्दन फर्दन मैंने कुछ स्वाध्याय किया है। वेद में जहां कहीं भी ऐसी बातों का जिक्र है वहां पर स्पेसिफिकली कैटेगरी लिखा है। अनार्य शब्द, वेद जुष्टम, वेद निंदकम, ये शब्द लिखे हैं और आर्य शब्द का अर्थ जाति विशेष नहीं है बंधु, ये भी ध्यान रखना। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। मैं एक शब्द की ओर आपका अगर ध्यान दिला दूं, आप एक शब्द का बहुत प्रयोग करते अनाड़ी करते हैं सर, करते हैं ना, अनाड़ी शब्द है क्या? अनार्य, अनार्य को जब आप फ्रीक्वेंटली बोलेंगे अनार्य 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 तो मुख से बोले को बोलते अपभ्रंश होकर के बिगड़ करके वो शब्द अनाड़ी बन गया। बंधुओं मूल तत्व वेद है, जो तारिक साहब भी जिसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें उस पर विवाद में न हमारा विषय वस्तु है न हम जाएंगे। एक कंपेयर के लिए ये बात आई जरूर तो उसको स्पष्ट किया। मैं निवेदन करूंगा दोनों बंधुओं से बहुत थोड़े थोड़े समय के लिए, उसमें समय की पाबंदी और आज की चर्चा गोष्ठी का ये स्वरूप न रख के इस गोष्ठी को और किस तरह से आगे बेहतर तरीके से बना सकते हैं, नियम उपनियमों में बंद करके एक दूसरे की इज्जत खराब हो उस भावना से नहीं। मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ, आपके नाखून होते हैं ना, सब काटते हैं इसको या नहीं काटते हैं ना, और काट करके नाखून आपको कैसा लगता है? सुकून लगता है ना, अच्छा लगता है ना? आप सर के बाल काटते हैं, नाई के पास जाते हैं, 20-25-30 रुपए उसको देते हैं, बाल कटवा करके आते हैं, और बाल नहीं कटवाते हैं तो आपको कुछ अजीब सा लगता। तो ठीक इस प्रकार से आलोचना इस ढंग से करनी चाहिए। आलोचना का तरीका तौर तरीका ऐसा होना चाहिए जैसे आप बाल कटवा करके सुकून का अनुभव करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना से हम वाद विवाद तर्क वितर्क जो किया जाता है वो बेकार है, उसका कोई फल नहीं होगा। और जैसे नाखून काट करके आप सुकून का अनुभव करते हैं ऐसे हम दूसरे की बात को काटेंगे, क्योंकि संसार में जिसको खंडन कहते हैं तारिक साहब वो अधिक है। अगर वृक्ष का तना ठूंठ खड़ा रहे उसका कोई वक्त नहीं है, ठूंठ को हम काटते हैं आरी से, फिर उसको आरा मशीन पर लेकर के ले जाते हैं, चिरवाते हैं, फिर बड़ा ही उसको रंदा मारता है, कील ठोंकता है। अगर ये सब प्रक्रिया ना हो, कील ठोंकने की प्रक्रिया ना हो, रंदा की प्रक्रिया ना हो, तो शायद हम मतलब ये तो कहेंगे हमने खंडन नहीं किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन कुर्सी नहीं बने, सामने रखी हुई टेबल नहीं बने। बंधुओं मैं इतनी बात कहकर के बात को समाप्त करूंगा और तारिक साहब के बना नहीं है तो कुछ अभी आखिर में पंडित जी महोदय ने कहा था उस पर मैं आधे मिनट की एक बात आप आधा मिनट एक और फिर ये दो मिनट फिर वो दो मिनट जो आप कहेंगे जो आपने परमाणु को आदेश दिया वो मुझे यहाँ पर आने के बाद ये बताया गया था पहले से, यहाँ अचानक नहीं था कि पंडित जी बहुत ये जरूर फूंक मार के बताएंगे और ये कहेंगे और वो शायद को यहाँ पर जरूर कहीं ना किसी बहाने से लाएंगे कि मरियम की गुप्त इंद्री में अल्लाह ने फूंक मारी, और किसी ना किसी बहाने से आ जाएंगे वहां पर उसको कहेंगे जरूर यहाँ पर। तो आप मुझे आता मुझे कह लेंगे दरअसल ये बात मैंने आधा मिनट मांगा अच्छा। और मैं बिल्कुल मैं तो किसी जगह कहीं कोई कोई किसी जगह जरा सा भी वो नहीं करूंगा सर, तो मैं सिर्फ नहीं वो अनुवाद गलत है, अनुवाद गलत है जो कह रहे हैं भाई। अब ये तो बात है कि ये बात कहना और उस पर फिर कुछ लोगों का हंसना कि उसकी गुप्त इंद्री में फूंक मारी,
अगर ये अनुवाद नहीं है उसका, मरियम ने, और वो मरियम उसका भी जिक्र करो जिसने अपनी शर्म, बड़े अच्छे अल्फाज बोले इज्जत, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, उसकी सुरक्षा की, और उसमें नहीं घूमती और हमने अपनी रूह फूंकी उसमें, तो ये तो आदम के लिए भी कहा है। अब आदम को भी कह दिया उसकी गुप्त इंद्रिय में फूंक मारी, वो तो पुरुष थे, तो हमने जिसने अपनी फर्ज कहते हैं शर्मगाह को, उसके अंदर मर्द की भी और उसके भी, कि जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। कुरान में सब जगह जगह आया मर्दों को भी अपनी शर्मगाह की सुरक्षा करनी चाहिए, औरतों की सुरक्षा का मतलब हिफाजत करें, तो मरियम ने ऐसा किया था और हमने पैदा किया। अब ये कि ये विरोधाभास है या नहीं है, क्या बगैर पुरुष के बच्चा हो सकता है या नहीं, अगर इसके ऊपर विषय पे बात, अब मैं चाहूंगा आइंदा हो और मैं कहूंगा होगी और हो सकता है, और कभी नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है, बायोलॉजिकली मैं बताऊंगा कि हो सकता है। और कल के टीवी पर अभी कल इस प्रसंग के ऊपर चीजें आई हैं, जो टीवी के ऊपर आई हैं कि सेल्फ और दूसरी स्पेसीज में होता है, इंसानों में नहीं होता, कि सेल्फ पोलराइजेशन जो है वो इंसानों में नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि अपवाद जो है, अनुवाद कितने गलत होता है, तो होता है एनिमल्स में, आप चुप रहे आप, तो लोअर स्पेसीज में एनिमल्स में होता है, इंसानों में नहीं होता, लेकिन अपवाद भी सिद्धांत का भाग होता है। मेरी वाइफ की एक फ्रेंड है, उनका हार्ट, उनका दिल है राइट हैंड पे। अब हम कहें सिद्धांत के खिलाफ कुछ नहीं होता, दिल हमेशा उल्टी तरफ होता है, और नहीं ऐसा भी हुआ है, करोड़ों में एक केस में होता है, ऐसे ही ट्रिलियंस ऑफ केसेस में थ्योरेटिकली पॉसिबल है, हुआ नहीं आज तक इतिहास में, हुआ एक बार है कि बिना पुरुष के भी बच्चा हुआ, इसलिए सेल्फ पोलराइजेशन हुआ, जैसे कि होता है बहुत सी स्पीशीज में, मनुष्यों में नहीं होता, लेकिन वो अपवाद भी, कितनी चीजें जो कल असंभव मानते थे आज संभव है, कितने, कौन कह सकता है कि एक जैसी उसी से वो लेने के बाद डीएनए से, वहां से हड्डी में से कोई चीज लेने के बाद अपनी लेबोरेटरी के अंदर जो है वो उसको फर्टिलाइजेशन करके और एक भेड़ दूसरी वैसी बनाई जा सकती है। अब से 10 साल पहले कोई मान सकता था, कहता असंभव, वो असंभव संभव होता है, इसलिए कि वहां तक ज्ञान नहीं पहुंचा था, यहां तक ज्ञान नहीं पहुंचा है, लेकिन थ्योरेटिकली पॉसिबल है, शायद के वो एक केस के अंदर हुआ, वो उसके खिलाफ नहीं, वो अनुवाद जो गलत किया था और इस अंदाज में, और ये मुझे बताया गया था कि ये जरूर कहेंगे यहाँ पर, तो वो जरा सा ठीक कर ले, वो जरा सा ठीक कर ले उसे, आइंदा के लिए उस अनुवाद को, वो फूंक मारी, वो सब में आदम में भी मारी, अब वो उसको क्या आकार क्या है इस पर कभी बात करेंगे, कि उसके हाथ रखे गए हैं या नहीं रखे गए, पांव रखे गए नहीं गए, पांव का अर्थ क्या है, वो क्या उसका कहीं अगर चेहरे का आया है तो उसका अर्थ क्या है, कुरान तो मैं समझाऊंगा ना कुरान, बजाय इसके कि ये कहा जाए कि नहीं कुरान के अंदर ये लिखा है और ये गलत लिखा है, कुरान में नहीं है विरोधाभास, आप बताएंगे तो मैं समझाऊंगा, आपने मकर कहा है तो मैं समझाऊंगा कि मकर किसे कहते हैं और मकर का असल अर्थ क्या है और किस, और इंसान करे तो उसे क्या कहा जाएगा और ईश्वर मकर करे तो उसका अर्थ क्या है, तो ये तो जब इस विषय पे बात आएगी, लेकिन इतनी बात मैं और कहना चाहूंगा कि हमारा विषय ये था, मैंने वेद से सिर्फ एक प्रसंग दे दिया, एक बस एक विषय था शांति, और शांति के संबंध में दिया, शांति और युद्ध के संबंध में दिया, और इसलिए दिया कि ये बात कई बार आई थी और अध्यक्ष महोदय की तरफ से भी आई थी कि इस बात को भी जरा सा समझाइएगा आपके वहां से शुरू होकर यहां तक, इसलिए मैंने कहा कि वेद में भी है ऐसी चीज, एक ऐनक से देख ले उसे, इसलिए मैं लाया था, लेकिन मैंने शांति और युद्ध और मारने और कत्ल करने से अलग कोई चीज नहीं लाया था, इसको वेद का नाम लेने के बाद, चूंकि मैं वेद ले आया इसलिए विषय बदला, और विषय बदलने के बाद जो बातें कुछ और कहना चाहती थी वो कही गई, ये अगर नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन भाग किसी चीज से नहीं रहे, इसलिए कि मैं यहां सबके सामने ऐलान कर रहा हूं, जिस चीज से भाग गया उसे छोड़ दूंगा, जिस चीज को सिद्ध नहीं कर पाया और जिसको मैं नहीं समझा सका वो मैं नहीं मानूंगा, सच्चाई को नहीं हटा था, मैंने वेद का एक दिया था क्या कुरान शांति, लेकिन बीच में दो बार प्रश्न आया, इसलिए मैंने वेद को लाने के बाद और फिर उसी प्रसंग में और उसी सब्जेक्ट उस शांति और युद्ध और मारने की बात से मैं नहीं हटा था, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के बाद फिर जो चीजें यहां पे कही गई थी वो लाएंगे जरूर, वो आई, तो हम उस विषय से नहीं हटे, और मैं किसी चीज से नहीं भाग रहा, जो आप कह दीजिए ये विषय रहेगा हम उस पर बात करेंगे, भाग जाए तो अगर भाग गए उससे तो मैं मानना छोड़ दूंगा इसे, इसलिए कि और मैंने बहुत सी चीजें छोड़ी हैं आज तक, जो मैं पैदा हुआ था मुझे जो बताई गई थी वो बदल गई, वो अब वो नहीं है, इसलिए कि जो कुछ मान रहे थे उसमें कुछ गलतियां थी, अगर समझ में आ गया गलतियां थी तो छोड़ दी गई, तो लेकिन ये कि अगर इस नियत से आप भी सुनेंगे कि अगर समझाया जा रहा है कि कुरान ये में इस बात का ये अर्थ नहीं, ये है इसका जहां पे कहा जा रहा है, तो उसे मानिए कि ये अर्थ है, बजाय इसके कि नहीं नहीं हम तो ये अर्थ नहीं मानेंगे, और वो अर्थ समझ में आता हो लोगों के, हाँ ये माना जा सकता है, तब विषय अगला तय कर ले, कभी हम फिर बैठे तिथि बात को कर लेंगे, मैं यहाँ पर मैं नहीं कर सकूंगा, ये तो उसके बारे में थी जो कुछ यहाँ पर हुआ था, मुझे दिल चाहा कि मैं कहूँ, और
वो जो आपने बात को जो आदेश दिया उस संदर्भ में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हमारे शांति के संदर्भ में और सबसे जितने भाई यहाँ पर मौजूद हैं वो हिंदू हो या मुसलमान हो यहाँ पर, कि ईश्वर ने, और मैं तो, आप तो कहते रहे कि ईश्वर और अल्लाह अलग है, हमसे तो कुरान ने यही कहा है अय्यमत अदुफल और अस्मार उसना, जिस नाम से दिल चाहे पुकारो, सारे गुणात्मक और अच्छे अच्छे नाम उसी के हैं, कि हम तो ये समझते हैं कि उसमें भेद नहीं, भेद की बात तो यहाँ पर खत्म हो रही है जाकर, भेद बनाने कुछ प्रश्न के तौर पर कोई बात आएगी तो उसे मैं समझाऊंगा, लेकिन एक मैं घटना सुनाना चाहता हूँ, एक वाकया, बहुत बड़े यहाँ के हिंदुस्तान के भारतवर्ष के सबसे बड़े मुसलमान विद्वानों में से थे मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम कासमी, मैं वो संदेश देना चाहता हूँ विशेष रूप से यहाँ बैठे मुसलमानों को, इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ बैठे हिंदू भाइयों को भी, कि उनका इंतकाल हो गया, बहुत से कोई भी बड़ा पैनल ऐसा नहीं था जिसके वो कुछ ना हो, फिका अकेडमी के जनरल सेक्रेटरी थे, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के कुछ थे, कौन कैसे, तो जो ये कहा जा सकता है कि जो टॉप दो तीन अगर आलिम मुसलमानों के अगर कोई थे वो यहाँ पर, तो उनमें से थे, अभी कुछ साल पहले उनका देहांत हुआ है, एक बार रामपुर में आए थे वो, और रामपुर आने के बाद उन्होंने, मैं जहाँ पर रहता हूँ, एक भाषण दिया था वहां पर, उन्होंने एक तकरीर की थी, और उस तकरीर में सारे के सारे 100% बहुत बड़ी संख्या में सिर्फ मुसलमान थे, कोई गैर मुस्लिम नहीं था, तो उन्होंने किसी को सुनाने के लिए नहीं कहा था जो कुछ कहा था, और वो उन्होंने सिर्फ लोगों को बताने के लिए जो कुछ कहा था वो ये था कि मुसलमानों को समझाने के लिए, उन दिनों की बात है, ये उस साल की बात है जब महाराष्ट्र के अंदर कुछ इस तरह की बातें चली थी कि परिचय पत्र हर एक को बनाना होगा, और मुसलमान ये समझ रहे थे, सही या गलत, मुसलमान ये समझ रहे थे कि शायद ये किसी न किसी जगह हमें फांसने की बात हो रही है, और अपना प्रूफ और आइडेंटिटी, हमें नेशनैलिटी हमारी कि हम यहाँ के हम शहरी हैं यानी, इसका प्रमाण पत्र हमें देना होगा हर एक को, तो उन्होंने बहुत देर ये भाषण दिया कि हम यहाँ पर इस देश के अंदर हम पार्टनर हैं, इस देश के अंदर हम ऐसा नहीं है कि हम किराएदार हों, यहाँ इस कोठी में जिसे ये भारतवर्ष जो है ये, इसके अंदर हम किराएदार नहीं है, और तो इसलिए कोई हमसे दूसरा पक्ष ये कहे कि तुम अपने भारतीय होने का हमें प्रमाण दो, हम नहीं देंगे, कहा जाएगा तो लड़ेंगे, इस पे लड़ना होगा तो लड़ाई भी लड़ेंगे, और हमें से कोई नहीं देगा, कोई प्रमाण पत्र नहीं होगा, और हम कहीं प्रमाण नहीं देंगे, ये बात बहुत देर तक कही उन्होंने, लोगों ने बहुत तालियां बजाई मुसलमानों ने, जब बहुत तालियां बजा चुके तो फिर उसके बाद कहने लगे, लेकिन एक बात याद रहे कि अगर आपकी ये भावनाएं हैं, अगर आप ये कहते हैं कि हम यहाँ पार्टनर हैं, हम किराएदार नहीं है, तो फिर पार्टनर की और मालिक की भावनाएं तो ये होती हैं कि ये भावनाएं होनी चाहिए कि फिर हम अपनी इमारत का और अपनी बिल्डिंग का कोई कोना भी नहीं छोड़ने देंगे, और अगर ये भावनाएं नहीं तो फिर किराएदार ही। तो मैं सिर्फ ये मैसेज शांति के नाम पे, मैं सिर्फ ये मैसेज पहुंचाना चाहता था अपने मुसलमान भाइयों को, और सिर्फ इसी तिला के लिए हिंदू भाइयों को मैंने दिया है कि हिंदू बहुत बड़े आलिम ने ये बात कही थी, और वहां सिर्फ मुसलमान थे, वहां किसी को सुनाने के लिए कोई वहां पर हिंदू भाई मौजूद नहीं थे। हम इस मोहब्बत के साथ में, देश का विभाजन हुआ कुछ दिनों पहले, ये विभाजन पहला विभाजन नहीं था, देश तो विभाजित पता नहीं कब से होता चला आया है, ये कुछ लोग कहते हैं हिंदुओं ने करवाया, मुसलमान कुछ कहते हैं हिंदू ऐसी परिस्थितियां नहीं बनाते तो नहीं होता, मुसलमान कहते हैं हिंदू कहते हैं मुसलमान, बहुत से हिंदू कहते हैं मुसलमानों की वजह से देश का विभाजन हो गया, कुछ लोग ये कहते हैं नहीं नहीं ना मुसलमानों के कारण हुआ ना हिंदुओं की वजह से, ये तो उनकी वजह से हुआ कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल वो जो ब्रिटिशर थे उनकी वजह से हुआ, उन्होंने लड़ा दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या ये विभाजन जो था, जो देश का विभाजन हुआ 1947 में 1947 में, क्या ये पहला विभाजन था, क्या देश इससे पहले विभाजित नहीं हुआ था, हमारे देश की सीमाएं जो है वो तो वहां तक थी, जिसके अंदर इंडोनेशिया भी था, जिसमें मलेशिया भी था, जिसमें थाईलैंड भी था, जिसमें कोरिया भी था, जिसमें कंबोडिया भी था, जिसमें इधर अफगानिस्तान भी था, उधर ईरान भी था, ये कब विभाजित हुआ था, ये भी तो विभाजित हुआ था, इतिहास में तो नहीं है, और अगर आधुनिक इतिहास में नहीं तो इतिहास से पहले की बात है ये विभाजन, उस वक्त मुसलमान तो नहीं थे इतिहास से पहले, फिर ये विभाजन के जिम्मेदार कौन थे, अगर इस विभाजन के जिम्मेदार मुसलमान थे या वो थे, उस वक्त तो ब्रिटिशर इससे छाए हुए नहीं थे कि वो आके डिवाइड एंड रूल कर लेते, फिर विभाजन कैसे हो गया, कब इंडोनेशिया अलग हुआ, कैसे कोरिया अलग हुआ, कैसे कंबोडिया अलग हुआ, ये कौन था, तब तो सिर्फ हिंदू थे, तो फिर हिंदुओं के लड़ने की वजह से विभाजन हुआ, विभाजन किसी की वजह से नहीं होता, ना हिंदू, मैं विभाजन की बात सिर्फ धरती की नहीं कर रहा, दिल बंटते हैं तो मकान के अंदर अपने घर के अंदर दो सगे भाई जो है उनकी वो एक दीवार बना लेते हैं, बीच में खड़ी कर लेते हैं, और इतनी गुंजाइश नहीं होती कि आधी ईंट की दीवार जिसमें चारपाई के दो कोने नहीं डाल सकते कि मेरी होगी या तेरी, जब ये विभाजन जो होता है ये नफरत की वजह से होता है, हिंदू मुसलमान की वजह से नहीं होता,
दिलों में कुछ नफरतें हैं, उन नफरतों को हटाएंगे तो बहुत सी चीजें ज्ञान की भी समझ में आ जाएंगी। पहले नफरत हटाना होगा। जब नफरत, जब दिलों का विभाजन खत्म होगा, धरती का भी नहीं होगा। दिलों के विभाजन हुए थे, मुसलमान तो थे ही नहीं यहाँ पर जो आज मुसलमान कहलाते हैं, ये तो 1500 साल पहले से है। वो जो देश अलग अलग हुआ था वो तो हिंदुओं में हुआ था, नफरत आई थी कहीं से। नफरत की वजह से विभाजन होता है, दो सगे भाइयों में भी हो जाता है। और अगर उस नफरत के बीच में नफरत में कमी हो जाए, नफरत खत्म हो जाए, तो एक खिड़की भी खुलती है दीवार में, आना जाना शुरू हो जाता है। एक फिर खिड़की खुलती है, नफरत खत्म हो। लेकिन अगर नफरत मोहब्बत से परिवर्तित हो जाए, मोहब्बत वापस आ जाए, तो दीवार गिरती है, जर्मनी में गिरी है। और वो खाली दीवार सांकेतिक, वो खाली धरती की दीवार नहीं, बात दिलों की दीवार की हो रही है। तो जब तक मोहब्बत वाली बात वापस आपस में नहीं आएगी, समझा नहीं पाएंगे एक दूसरे को, ज्ञान की बात भी नहीं समझा पाएंगे। ना मैं आपको समझा पाऊंगा, ना आप हमसे समझा पाएंगे, और विभाजन की स्थिति बनी रहेगी। पहली बार ये हम आपस में मोहब्बत के साथ में करें, जो कुछ भी बात करें आगे बैठे, एक दूसरे के दोस्त बनकर करें। कुरान मुझसे कह रहा है दोस्ती करने को, मैं कुरान की आयत क्लियर समझता हूँ कि कुरान मुझे उनसे दोस्ती करने को मना नहीं कर रहा है जिन्होंने मेरे दीन की वजह से मुझसे लड़ने के लिए नहीं आए और मुझे मेरे घरों से नहीं निकाला। मैं कुरान की बात मानता हूँ और मुझसे कुरान ने कहा है कि तुम्हें दोस्ती करने की इजाजत है। हम मित्रों की तरह बैठे, हम दोस्तों की तरह बैठे, और विभाजन नहीं हो, दिल का विभाजन होता है तो फिर होता चला जाता है। मैं इतनी बात करना चाहता हूँ, इस मोहब्बत की परिस्थिति में बैठे तो आप फिर अगला विषय कोई सा भी ले लीजिए, उसके साथ बैठे। इस अंदाज में नहीं हो कि हमें एक दूसरे के ऊपर कोई तंज करना है, कोई कटाक्ष करना है, कोई ऐसी बात कह देनी है कि लोग हंस पड़े, और वो भी पहले से तय हो और पहले से मुझे भी पता हो कि ये बात तो आएगी, ये बड़ी अजीब बात हो गई। तो इसलिए, और मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि मुझे वो उसके अंदर कोई भावना ऐसी महसूस हुई, इसलिए मैंने कह दिया ये बात। फिर हम कभी बैठे, जब कभी भी मैं चाहता हूं कि आइंदा इससे अच्छी परिस्थितियों में आपस में मिले और मोहब्बत के साथ में मिले। आज भी बहुत अच्छी परिस्थितियों मिले, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इससे ज्यादा अच्छी परिस्थितियों में इसके बाद फिर हम मिले, और आप जो कुछ विषय दें उस विषय को फिर चर्चा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं को पता था पहले से, कैसे पता था ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो आयात मैंने कुरान से प्रस्तुत किया है, अगर वो अर्थ कुरान में नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं। अगर वो है कुरान में, सिर्फ ही शायद भर के पढ़ दीजिए, हैं? पढ़ दीजिए, मैं देखूं अर्थ आपने क्या लगाया और इसमें क्या लिखा। आपने क्या लिखा? कोई हो, मैं मानता हूँ कोई, किसी ने किया, गलत नहीं किया होगा। नहीं नहीं, ये भी नहीं देख रहा हूँ मैं ये मानता हूँ गलत नहीं किया होगा। आपके यहाँ समझने में गलती होगी, मैं ये मानता हूँ। गार्डेड हर चेस्टिटी वर्जिन मरियम मेरी वी ब्रीथेड इन टू द स्लीव ऑफ हर शर्ट और गारमेंट। ये ब्रैकेट लगाए हैं इन्होंने, गलत लगाए हैं, मुझे नहीं मालूम। और स्लीव नहीं, स्लीव स्लीव किसे कहते हैं मुझे नहीं मालूम। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अच्छा, आदम के लिए क्या हुआ? ये ब्रैकेट लगाए हैं इन्होंने, ये उसका अर्थ नहीं है। और आदम के लिए शब्द आए वह नफक तो फिर भी रूई, आदम जो थे वो थे पुरुष थे वो, और वो पुरुष जो थे, मैं तो फिर ट्रांसलेशन अनुवाद की बात कर रहा हूँ। पुरुष शब्द आया इसलिए मैं कह रहा हूँ असनत नहीं। अच्छा, फिर मरियम के लिए आगे के बाहर में फूंक दिया हमने। भाई ऐसा है, आप मुझे बोलने दीजिए, आप जब बोल रहे थे उस समय मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसा है, मैंने जो कुछ भी कहा अब तक सब कुरान से ही कहा है, कुरान से बाहर एक भी शब्द मैंने प्रमाण के लिए नहीं कहा। और अगर मैं मुझे कोई ये सिद्ध कर दे, कैसेट बना है पूरा, मुझे ये कोई सिद्ध कर दे, प्रमाणित कर दे कि यह आयत मैंने कुरान की नहीं पढ़ी या उसका एक्सप्लेनेशन मैंने गलत किया, उसके लिए जो सजा है वो सजा मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ इस बात को। लेकिन बात यहाँ ये ध्यान रखना कि शब्द आया है दीन, दीन की मानी है मजहब, दीन की मानी है मत, दीन की मानी है मतांतर। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, करीमुल लुगात अरबी के शब्दकोश कह रहे हैं, फाड़ देने की। यहाँ पर मिस्बाहुल लुगात भी मेरे पास मौजूद है। दीन की मानी धर्म का नहीं होता, दीन की मानी होता मजहब, पहली बात। दूसरी बात, फिर अल्लाह पर मैं आ रहा हूँ कि अल्लाह रहमान और रहीम है, रहम करने वाला दयालु है। अच्छा बंधु, जरा जिम्मेदारी के साथ ये अपने अपने मन को, हृदय को टटोल लेना कि पिछले 21 दिसंबर को बकरीद मनाया गया या ईद उस सुहा मनाया गया, उस ईद उस सुहा के दिन में न मालूम इस ब्रह्मांड में लाखों और करोड़ों पशुओं के गले में छुरी चलाया गया। अल्लाह अगर रहम करने वाला दयालु है तो क्या उन जीवों पर भी अल्लाह का रहम है? जबकि वेद कहता है जीवों पर अल्लाह का रहम होता तो जीवों पर छुरी चलाने के लिए कर दूंगा, एक घंटा दीजिएगा साबित कर दूंगा। भाई मेरा, आप जब कह रहे हैं तो उस समय मैंने नहीं कहा कुछ। कोई बात, कोई बात।
ये तो चलती रहेगी, फिर मैं भी कुछ कहूंगा। नहीं नहीं, यहाँ तो समाप्ति को मैं भी कहूंगा कुछ, ये तो चलती रहेगी। तो समाप्ति के और समाप्ति के लिए आपको भी कह दिया, मुझे भी कह दिया गया, समाप्ति के लिए आपको भी कह दिया, मुझे भी कह दिया। और फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ, बंदा हाजिर है और मेरा ये लिखित प्रश्नावली में पकड़ाऊंगा। मैंने ये निवेदन किया कि अल्लाह अगर रहम करने वाला दयालु है तो अल्लाह गोश्त खाने वालों पर रहम कर रहे हैं, जिन पशुओं के गले में छुरी चलाया जा रहा है उन पशुओं पर अल्लाह अगली मीटिंग में उठाए ना, अगले प्रश्न भी उठा रहे हैं और वो तो छोड़ दिया जाएगा, जवाब उत्तर नहीं दिया जाएगा, तो शाम तक चलेगा अगले प्रश्न रख रहे। मैं तो इसी से समाप्त कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जरूर रखे लेकिन अगली बार रखे। हाँ बिल्कुल, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, दिनों लोगों के मन के अंदर एक वो छोड़ कर जा रहे हैं, ये डिजाइन है, ये एक तरकीब है, लोगों के मन में कुछ छोड़ कर जा रहे हैं जिसका उत्तर यहाँ नहीं दिया जाएगा। नहीं उत्तर यहाँ क्यों रखे भाई, यहाँ क्यों नहीं दिया जाएगा ना, जिस दिन विषय हो अभी अगला विषय छेड़ लेंगे पंडित जी, अब अगली बार विषय हो गया ना, विषय शास्त्रार्थ का अंदाज हो गया, शास्त्रार्थ लगातार जवाब भी एक मिनट मन में कुछ रहे लोगों के सारी भाई साहब नहीं तो कहा था कि दीन के माने धर्म है, दीन माने मजहब नहीं, क्लियर कर विषय की बात। मैं निवेदन कर रहा हूँ अंतिम बात है कि धर्म शब्द ना तो अरबी में है, ना उर्दू में है, ना फारसी में है, ना अंग्रेजी में है, ना संस्कृत को छोड़कर किसी लैंग्वेज में है, और कोई लैंग्वेज भी नहीं है। एक बात और मैं कह दे रहा हूँ कि धर्म तो बहुत ऊंची चीज है, धर्म शब्द ही नहीं है इन लोगों के पास। अभी मैं फॉरेन गया था, यूरोप गया था, वहां पर भी एक ऐसा ही सवाल आया, रेडियो स्टेशन से मेरा निरंतर प्रोग्राम हुआ, तो डेनमार्क में पहुंचा और खास करके डेनमार्क जब मैं गया तो उन लोगों से मिलने के लिए मेरी इच्छा हुई कि जो लोग कार्टून बनाए थे उन लोगों को भी मैं ढूंढ करके आया। अब कार्टून बनने से यहाँ पर क्या हुआ तो आप सब लोगों को पता है, पर कोई मुसलमान वहाँ हिंदू ने नहीं बनाया था, कोई ईसाई ने नहीं बनाया था कार्टून, 6 मुसलमानों ने मिलकर के बनाया था कार्टून, पर भारत में क्या हुआ था वो तो आप लोगों को मालूम है ही। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, वहां पर भी ये सवाल आया मेरे सामने कि मैं आई कन्वर्टेड फॉर माई रिलीजन, एक ने कहा, मैंने कहा कि आपका पहला रिलीजन क्या था, वो कहने लगा कि मैं ईसाई था, मैं आप क्या है, बोले मैं बौद्धिस्ट हूँ। मैंने कहा कि अगर आप बौद्धिस्ट है और आपका पहला रिलीजन था ईसाई, कह लगा हाँ, मैंने कहा आपने संप्रदाय बदला है, धर्म तो नहीं बदल पाए। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैंने कहा कैसे नहीं, आप पहले ईसाई संप्रदाय में थे, आप बौद्ध संप्रदाय में है, तो बोले नहीं रिलीजन माने धर्म होता है। मैंने कहा अंग्रेजी में रिलीजन शब्द नहीं है, बोले आपके पास क्या प्रमाण है, मैंने कहा तुम्हारा डेनमार्क घी पैदा करता है, अंग्रेजी में घी बोलो जरा। उसने बोला बटर, मैंने कहा बटर माने मक्खन, मैं पूछ रहा हूँ घी। उसने कहा जी ये बोली, मैंने कहा पहले से ही मैं बोल रहा था तुम घी बोलो ना, अंग्रेजी में घी को क्या बोलते हो, वो नहीं बोल पाया। मैंने कहा पहला प्रमाण, दूसरा प्रमाण ये तुम्हारे बहन है, कहने हाँ शादीशुदा है, कहने हाँ, मैंने उसके पति को क्या कहते हो, बोले ब्रदर इन लॉ। मैंने कहा वो क्या कहता, बोले वो भी ब्रदर इन लॉ कहते, मैंने हमें कैसे पता लगेगा कि वो तुम्हारे बहन हो या तुम उसके बहन ही हो। ऐसे 50 प्रमाण है मेरे पास, केवल अंग्रेजी में नहीं अरबी में भी धर्म शब्द नहीं है। दीन को मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ, करीमुल लोगात अरबी शब्द कोश और मिसबाहुल लोगात भी अरबी शब्द कोश है। ये दीन के मत यहाँ पर मजहब पंथ साफ लिखा है, तो इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं धर्म मानव मात्र के लिए होता है, ईश्वर प्रदत्त होता है, मजहब व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ होता है। महात्मा बुद्ध से पहले कोई बौद्धिस्ट नहीं था, महावीर स्वामी से पहले कोई जैनी नहीं था, ये सब व्यक्ति विशेष के द्वारा ही चलाया हुआ है। लेकिन ईश्वर प्रदत्त होता है धर्म, जो धर्म मानव मात्र के लिए होता है, जिसमें चेंजिंग आने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, सूरज प्रकाश देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो मानव मात्र के लिए धर्म होना चाहिए, ना कि जाति विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए। तो संप्रदाय विशेष के लिए जो होगा उसका नाम मत है, उसका नाम मजहब है, उसी का नाम पंथ है, उसी का नाम रिलीजन है, उसी का नाम मतांतर है। धर्म अपने आप में पूर्ण नहीं हो पाएगा, इसलिए धर्म शब्द कहीं पर ही नहीं है एक संस्कृत को छोड़ करके। तो मैंने निवेदन किया कि सही अर्थों में इस सच्चाई के तह तक पहुंचने के लिए हम लोगों को और समय चाहिए, ये मैं भी इसमें स्वीकृति दे रहा हूं। और हमारे दोनों डॉक्टर ने प्रयास किया है, जो हमारे भाई तारिक साहब से भी पहले ही मेरा 27 मार्च को वार्तालाप करने के लिए स्वामी जी की अध्यक्षता में बातचीत हुई थी, और आज मैं वाकई में धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर डी के आर्य और डॉक्टर सतीश आर्य जी को, के जिन लोगों के प्रयास से और लोगों से मिलाने का जो परिपाटी इन्होंने चलाया है, ये मेरे लिए वही बहुत अच्छी बात है।
और मैं यही काम आज 26 वर्षों से कर रहा हूँ। समग्र विश्व के आनंद में मैं धर्म क्या है उसी धर्म का ही मैं प्रचार कर रहा हूँ। जो धर्म मानव मात्र के लिए है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, व्यक्ति विशेष के लिए संप्रदाय व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ होता है, ईश्वर प्रदत्त नहीं होता है। मैं उसी संदर्भ 26 वर्षों से काम कर रहा हूँ। रही बात कि इस्लाम अपने आप में दीन है या धर्म है, तो मैं छोटा सा ही एक प्रश्न यहाँ दे रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इसमें बाकायदा मैं साफ लिखा हूँ कि इस्लाम जगत के विद्वानों से करती पाए प्रश्न। वही मैं बता रहा हूँ क्या है, वो मैं सुना रहा हूँ। इसका हेडिंग इसमें मैं हेडिंग दे रहा ये है कि इस्लाम जगत के विद्वानों से करती पाए प्रश्न, सही जवाब मिलने पर इस्लाम स्वीकार। ये मेरा हेडिंग है इसका, और इसके ऊपर मैं लिखा हूँ उन्जुर इला मा काला वला तंजुर इला मन काला, कि मैं कौन कह रहा हूँ मुझे ना देखें, मैं क्या कह रहा हूँ उस पर विचार करें। और ये मैं अपने अध्यक्ष जी के हाथ से मैं भाई साहब तक पहुंचाना चाहता हूँ कि मेरा ये लिखित सवाल है, और लिखित जवाब अगर मिल जाए तो सो फर सो बेटर। बाकी ये प्रयास हम लोगों का जारी रहना ही चाहिए, क्योंकि हम लोगों का मंशा अगर यही है कि मानव मात्र के अंदर में हम शांति की स्थापना चाहते हैं, और ये समाज का भी उद्देश्य ही है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ऋषि दयानंद आनंद जी समाज के नवा नियम में और लिखते हैं कि अपने ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु प्रत्येक की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अगर इसमें आप इच्छुक हैं तो बंदा हाजिर है, और मैं मरते दम तक आपका साथ दूंगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ इतने लोगों के बीच में। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बंधु, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा निवेदन, मेरे अपने मन की बात है, ये शब्द एक आज आया है। आप बैठ जाइए, जो खड़े हैं। तारिक साहब, धर्म शब्द पर मैंने एक बार तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को एक पत्र लिखा। तारिक साहब, मैंने उनको लिखा कि माननीय राष्ट्रपति महोदय, हम एक शब्द अखबार में टीवी में हर जगह सुनते हैं, सांप्रदायिक दंगे। सबका ध्यान चाहूंगा मैं, सांप्रदायिक दंगे। कभी आपने किसी भी व्यक्ति ने सुना धार्मिक दंगे? कोई हाथ उठा करके बोले कहीं अखबार में टीवी में पढ़ा हो धार्मिक दंगे? दो संप्रदाय के बीच, संप्रदायों में होते हैं दंगे। कारण मेरे को नहीं समझ में आया भाई, मैं क्षमा चाहता हूँ दोनों विद्वानों को। धार्मिक दंगे नहीं होते, लिख लो दंगे सांप्रदायिक। अब किसी राजनेता से पूछ लो, वो धर्म की संप्रदाय की परिभाषा करे तो समझ में आ जाए क्या होते हैं। डेफिनेशन है, मैं गाय को, अच्छा काली गाय को आप भैंस कह देंगे? कोई बच्चा छोटा सा सुनने के लिए, दिखने में सिमिलर सी लगती है तो साहब एक घंटे बाद चलेंगे। कोई कह दे काली गाय है तो उसको भैंस कह दे, पर अपरसी है देखने में लिंगी लगे है, कह दे भैंस। लेकिन गाय की लटकन को देख करके आप कहेंगे कि ये गाय है ये भैंस। धर्म की संप्रदाय की परिभाषा कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने फिर कहा था, स्वामी दयानंद ने ये बात कही, धर्म एक हो बस। संप्रदाय मैं जब ये कहता हूं, मैं छोटी सी बात कहकर विराम दूंगा, जब ये मैं कहता हूं ये मेरा मित्र है, इसने चोरी करी, नहीं मेरा मित्र है, बस ये संप्रदाय। ये क्या हो गया? संप्रदाय। मैंने पक्षपात कर दिया, मैं मर गया। ये इसने करा तो गलत काम, कोई भी व्यक्ति संसार में ये नहीं कह सकता इसने चोरी की, जारी किया, अच्छा काम किया, और मैं कह रहा हूं अच्छा है, मेरा मित्र है इसलिए। और जब मैं ये कहता हूं कि तारिक साहब बढ़िया आदमी, तारिक साहब ने बढ़िया बोला, महेंद्र पाल जी ने बढ़िया बोला, तारिक साहब कहेंगे महेंद्र पाल जी इस रूप में बढ़िया आदमी है, अच्छे वक्ता है। चूंकि महेंद्र पाल जी आर्य हैं और तारिक साहब मौंडन से हैं, इसलिए ये एक दूसरे को काटेंगे ही। ये संप्रदाय हो गया, धर्म उसको हो गया जो सही को सही और गलत को गलत कहा जाएगा, उसको बंधुओं क्या कहेंगे? और संप्रदाय उसको कहेंगे जहां मैं अपनी आत्मा को गिरा करके
गलत बात का समर्थन करने लगता हूँ उसको संप्रदाय। मैं इससे अधिक चर्चा यहाँ नहीं करूंगा और दोनों ही विद्वानों से, न केवल दोनों विद्वानों से बल्कि अगर मैं ये शब्द कहूँ कि दोनों पक्षों से, मैं तो आगे हैं यहाँ मुझे आदेश हुआ है ये घोषणा करने का, नीचे नाश्ते की व्यवस्था है। संगोष्ठी का जो कार्यक्रम चला है ये लगभग 3.5 घंटे चला है और 3.25 घंटों में दोनों विद्वानों ने अपने अपने विचार बड़ी सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। ये मुझे लगता है कि दोनों की भाषा ऐसी थी आप सबने समझ ली होगी, भली प्रकार से आपकी समझ में आई है। मैं दो आदमियों का धन्यवाद कर दूं, पहले जो दो डॉक्टर हैं अभी, ये डी के आर्य जी और अपने सतीश आर्य जी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि महर्षि दयानंद से पहले भी शास्त्रार्थ नहीं होते थे और सच को सच और झूठ को झूठ समझने के लिए महर्षि दयानंद ने शास्त्रार्थ किए थे और उनके बाद भी बहुत दिनों तक शास्त्रार्थों की परंपरा चलती रही, लेकिन अब आलस और प्रमाद के कारण शास्त्रार्थ बंद हो गए थे। ये धन्यवाद के पात्र इसलिए क्योंकि इन्होंने इस शास्त्रार्थ की परंपरा को जिंदा कर दिया। और दो व्यक्ति, मैं तारिक साहब का भी धन्यवाद करूंगा क्योंकि अधिकांश मुसलमान लोगों से अब तक जो भी बात हुई वो बस एक जवाब दिया करते हैं कि यहाँ तर्क वर्क की कोई गुंजाइश नहीं है, जो वहां लिखा वही ठीक है। बहुत सौ से बात हुई है हमारी कि जो वहां लिखा बस वही ठीक है, इसमें तर्क वितर्क करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और ये राष्ट्रपति महोदय आपके गुजरात के अंदर, आपने सुना होगा मेरे साथी हैं धर्म बंधु जी, बहुत विशाल आश्रम है, कई साल पहले वहां वो पधारे थे, उनका बहुत विशाल कार्यक्रम था। अभी हमारे सामने की बात है, धर्म बंधु जी ने ही ये बात कही थी कि राष्ट्रपति महोदय कुरान के अंदर जो कुछ आपत्तिजनक आयतें बताई जाती हैं उनका क्या किया जाए, आप उनसे सहमत हैं क्या? तो उन्होंने कहा, अरे तुम कुरान पर भी शंका करते हो, उसमें तो शंका की कोई गुंजाइश है ही नहीं। देखिए, ये कह देना कि शंका की गुंजाइश नहीं है या वेद वाले कह दें, ये पता तो जब लगता है जब दो विद्वान आमने सामने बैठ करके चर्चा चलते। तो आज जो चर्चा चलिए, इससे सबसे पहले तो आपको जो अनजान लोग हैं जिन्होंने अब तक कुरान की कोई बात सुनी नहीं होगी या वेद की भी नहीं सुनी, कितने लोग हैं जो सुनते हैं? केवल आर्य समाज का मंच ही ऐसा है जहां से वेदों की और कुरान की चर्चाएं खूब चलती। एक बात यह है कि अधिकांश जितने भी मत मतांतर सब मंचों से अक्सर हिंदुओं में सारे के सारे भगवान से मिलाने के ठेकेदार मिलेंगे आपको। भगवान से ऐसे मिला जाता है, भगवान से ऐसे मिला जाता है, लेकिन आर्य समाज भगवान से मिलने से पहले जमीन पर रहने का तरीका सिखाता है। उसका कहता है भगवान से जब मिलेंगे पहले जमीन पर रहने का तरीका सीख लो, जमीन पर रहने का तरीका किसी को नहीं आया तो वो मुक्ति में नहीं जा सकता। और एक सेकंड के लिए यदि मान भी लें कि ऐसा बदमाश आदमी मुक्ति में चला गया तो ये याद रखना कि जिसे यहां रहने का तरीका नहीं आया वो मुक्ति में भी चैन से नहीं रहेगा, अंदर दूसरों को रहने देगा। एक सेकंड के लिए मान लो, तो सबसे पहली बात है कि जमीन पर रहने का तरीका आना चाहिए। जमीन पर किस तरह से रहा जाता है, ये सांप्रदायिक दंगे क्यों होते, अगली बार इस विषय पर या तो अभी से रख लो या आगे फिर निश्चय कर लेना, ये दंगे क्यों होते हैं। और जितने भी प्रश्न अभी पंडित जी ने लिख करके दिए हैं, लिखित रूप में आ जाएं या ये मंच से आ जाएं, जैसे भी आए, खुशी की बात यह है कि यदि इसी तरह से वार्तालाप चलता रहेगा तो जैसे आज बहुत से शौकीन सुनने के लिए आए हैं, इनके भी दिमाग में जो धूल जमी हुई है वो भी निकल जाएगी, सच सामने आ जाएगा। और इन दोनों विद्वानों का मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ दोनों की लंबी आयु हो इसलिए ये अच्छा है और ये परंपरा बनी रहे, आगे भी बुलंदशहर में यहाँ भी कहीं भी शास्त्रार्थ होते रहे तो लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होगा इसका। ज्ञान का दान देना, तालीम का दान दे देना,
सबसे बड़ा दान माना जाता है। और आज जो ये बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम चला है, इसके लिए भी सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने पहले जो कहा था आपसे उसका आपने पूरी तरह से पालन किया कि कोई उत्तेजना में नहीं आएगा, अनर्गल बात नहीं करेगा, बीच में खड़ा होकर के नहीं बोलेगा। आप सबने उस बात को पूरी तरह से निभाया है, तो आप सब श्रोताओं का भी धन्यवाद है। अब यहाँ से आप वैसे ही नहीं जाएंगे, कुछ खा पी करके जाएंगे। हमारे लोगों ने नीचे कुछ जलपान की व्यवस्था की हुई है, तो अध्यक्ष महोदय यदि और कुछ कहना चाहें तो कहेंगे, बाद में समझ। आप सभी श्रोतागणों को ये दे दूं कि मैंने जो सवाल लिख करके दिया है तो हमारे मित्र को दिया है, इनके पास सीमित है, लेकिन आप लोगों को अगर महेंद्र पाल को जानना है तो मैं अपना वेबसाइट दे रहा हूँ, जिसका नंबर नोट करें और दूरदर्शन में देखें उसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है इंटरनेट पे, www.youtube.com Truth Wisdom, TRUTH, हाउ तो कभी कोई आ जाएगा, YouTube, www, हाँ पहले तो तीन W है, डॉट है, YouTube.com, हाँ .com ऑब्लिक Truth Wisdom, TRUTH WISDOM 2008, तो उसमें देखेंगे। समग्र दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, अब तक लगभग 2500 लोगों ने उसको देखा है, और विशेष रूप में मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को ही संबोधित किया है उसमें, और डॉक्टर जाकिर नाइक से मेरा निरंतर 2004 से चल रहा है। तो पहले तो पत्राचार के माध्यम से ही चल रहा था, अब इंटरनेट के माध्यम से चल रहा है, और इसी प्रकार के अनेक प्रश्न अभी स्वामी जी राष्ट्रपति जी के लिए कह रहे थे, राष्ट्रपति को भी मैं इस तरीके से लिखा था जब वो राष्ट्रपति थे, कहां धरा रह गया वो ज्ञान और विज्ञान। तो उसमें मैंने लिखा कि एक आदमी आकर के कहा कि एक बकरी को मैंने देखा रेल को धक्का देकर पटरी से नीचे गिरा दिया, सुनने वालों ने कहा पागलखाना से निकल करके आ रहा है क्या। तो दूसरा एक ने कहा कि नहीं पता नहीं ये क्या कह रहा है, पर मैंने देखा एक आदमी उंगली यूं किया और रेल रुक गई। तो सब ने मिल करके कहा कि हाँ वो कोई सिद्ध पुरुष होगा। अरे उसका सिद्ध पुरुष होना कैसा संभव है, भाई उंगली के इशारा से चांद का टुकड़ा होना संभव कैसा है। ये सारा प्रश्न मैं कर चुका हूँ, और मेरा निरंतर 26 वर्षों से ही काम चल रहा है, समग्र भारत में ही नहीं है तो विश्व के आंगन में, और जो शौकीन लोग हैं उन लोगों को मैं पता बता दिया हूँ, उस वेबसाइट को देखें और उसमें सच्चाई को जानने का प्रयास करें। धन्यवाद। डॉक्टर जाकिर नाइक को क्या दिया है वो भी रख लीजिए।